My name is Amarjyot Singh, and now I am talking to Vipin Rana in New Delhi. Vipin, how are you? Great, sir. How are you, sir? I'm great as well, and thank you very much for asking. It's morning time here, and you are in New Delhi. Kitna baje hai wahan par time kitna? Sir, abhi 10:45 ho raha hai. Theek hai. बताएं विपिन, हुक्म करें, क्या है आपका, क्या मसला है, क्या क्वेश्चंस हैं? और सबसे पहले जब हम एक बात मैं आपसे पूछ लूं कि आपकी मर्जी से ये हम रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आपकी कंसेंट है? जी सर, बिल्कुल. ठीक है, हुक्म करें विपिन, आपको जो भी कोई समस्या है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, आप बताएं मेरे को, देखते हैं क्या उसका सोल्यूशन निकलता है. जी सर. सो बेसिकली सर, मी एंड माई गर्लफ्रेंड, वी आर ट्राइंग फॉर एक्सप्रेस एंट्री पीआर. अच्छा. अब क्या हो रहा है सर, अभी तो ऑब्वियसली हम दोनों सिंगल हैं. ओके. और अभी मुझे ये आपकी वीडियोस देखते-देखते बहुत कुछ समझ में भी आया कि अगर उसको पीआर मिल जाता है तो देन आई कैन अप्लाई, आई कैन गेट मैरिड टू हर एंड देन आई कैन अप्लाई एट दैट टाइम. तो फिर वो बाद में कुछ चेंजेस करके वो हो जाता है. तो मुझे आपसे यही पूछना है सर, बिकॉज उसका जो सीआरएस है सर वो 471 है एंड शी इज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर. जो जो आपने कहा सीआरएस का है, वो उसका अकेले का सिंगल स्टेटस का इतना सीआरएस आ रहा है. सही है, सही है, ठीक है, ठीक है जी, मान गए, मान गए. उसके बाद ठीक है सर, अब शादी होगी सर अगले साल, ड्यू टू एस्ट्रोलॉजिकल साइंस आपको पता ही है, तो वो अगले साल ही पॉसिबल है शादी. आई एम सॉरी, यू सेड ड्यू टू एस्ट्रोलॉजिकल. अच्छा, जो आपके शुभ शुभ दिन वगैरह जो आएगा, जो पंडित पंडित होते हैं, सब शुभ ग्रह जो होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है. तो सर वो अगले साल ही पॉसिबल है. तो वैसे जब हम दोनों साथ में कर रहे हैं तो पॉइंट्स गिर रहे हैं, 458 हो रहे हैं. तो फिर हमने ये डिसाइड, जी अब कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, मैं समझ गया आपकी बात. आगे कंटिन्यू. फिर हमने ये डिसाइड किया कि इन, क्योंकि उसके अकेले के पॉइंट 471 बन रहे हैं, उसका नॉक कोड बी है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर 4214, सही है, और 471 सीआरएस बन रहा है. तो आपसे सर मुझे ये पूछना था कि When she gets PR, क्या तब मैं apply कर दूँ marriage करके certificate डाल के? तो अच्छा, क्या उसमें क्या चीज होगा? अच्छा सवाल है, मैं टच करता हूँ उसको. बस यही समस्या, यही समस्या है कि और भी कुछ है? यही है बस. हाँ सर, मतलब मेन ये है, फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. चलो ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस को देखते हैं उसके बाद. ये सवाल काफी लोग पूछते हैं और मेरे से, और काफी लोगों के मन में एक जिज्ञासा है कि भी ये कैसे होगा, पहले अपनी पत्नी को भेज दें फिर उसके बेस पे जाएं, या पहली सभी से जाएं. ये ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन स्पाउस रिलेटेड केसेस, एंड आई एम वेरी ग्लैड, मैं आपका बहुत ही शुक्रिया और आभार प्रकट करता हूं कि आपने ये पूछा और मेरे को मौका दिया इसके बारे में बोलने के लिए. और मैं जो अपनी जो लीगल जो मेरा व्यू पॉइंट है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, एंड ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन इवेंचुअली. तो और ये एक्चुअली ये सवाल अगर कई जो फ्री बुलेटिन बोर्ड्स हैं, काफ़ी जो ऑनलाइन है जहाँ पर लोग अपनी अपनी राय लिखते हैं वगैरह, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने ऐसे इसके बारे में चर्चा की है, बात करी है. तो बहरहाल चलो करते हैं. दो सूरत हाल हैं इसमें. एक तो ये है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड, जो अभी अभी शादी नहीं हुई है, डैट मीन्स उनके साथ आपका कोई संबंध नहीं जुड़ा, आप उन्हें जाने दे पहले, अगर उनका 471 आ रहा है, which I don't remember के पिछला जो कट ऑफ था कितना था, अभी जो I don't remember 475 है, तो उसका भी 471 है, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी उसका वो टच कर जाए 471 पे. अगर उसका 471 पे आता है और उसको आप जाने दें, जब वो जाएगी उसके बाद वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी, करते 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 इसमें 6 महीने लग सकते हैं, मे बी प्लस माइनस समथिंग बिकॉज ऑफ कोविड. उसके बाद वो पीआर लेते लेते वो चली जाएगी. सो आजकल क्या अक्टूबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यू नो, मे बी मार्च अप्रैल तक वो वहाँ पर उसका मतलब वो पीआर वीज़ा इशू हो जाना चाहिए. अब आप मेरे को ये बताएं कि आपकी जो डेट है, जो शुभ घड़ी है लगन की, वो कब निकली है? सर वो निकलेगी अराउंड सितंबर के आसपास, मतलब एक साल लगा लो सर. एक साल है अभी, एक साल. अच्छा अच्छा, फिर तो बहुत लंबा टाइम है, फिर तो बहुत लंबा टाइम है. तो फिर तो उससे पहले हो नहीं सकता, तो उसको पहले जाना ही पड़ेगा. होपफुली कि अगर उसको वीज़ा मिलता है मार्च अप्रैल, यू नो, अराउंड दैट टाइम, समर टाइम, तो उसको आप, अगर वो जाती है, जाने के बाद फिर वहाँ पर वो जब पीआर बनती है, जो पीआर बन जाएगी, जैसे लैंडिंग करेगी तो पीआर बन जाएगी,
उसके बाद जो पहला सिचुएशन है, जो पहला जो एक सिनेरियो है, वो फिर आपको स्पॉन्सर कर सकती है आफ्टर यू गेट मैरिड। दैट मीन्स कि अगर आपकी मैरिज सितंबर में होती है और वो पहुंचती है अप्रैल में, सो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 months, क्लोज टू 5 months वो रहती है वहाँ पर, वहाँ सेटलमेंट करती है, घर लेती है, मतलब किराया घर वाला लेती है और जॉब करती है, उसके पास पे पे चेक्स हैं, जॉब लेटर वगैरह है, तो वो सितंबर अक्टूबर के बाद वो रो अक्टूबर में जैसे आप शादी करते हैं दिवाली में अगले साल, उसके बाद वो आपको स्पॉन्सर करती है। अगर वैसे वो स्पॉन्सर करेगी अक्टूबर के बाद होपफुली, तो उस प्रोसेस में करीब करीब फिर 1 साल का ड्यूरेशन है। करेक्ट सर, करेक्ट, करीब करीब, आई मीन प्लस माइनस, आई हैव सीन सम केसेस डन इवन इन 6 months, बट आप मान के चलो कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस विल टर्न अराउंड इन क्लोज टू अबाउट 12 months, सो 1 साल का प्रोसेस है। दैट मीन्स के तब शादी होगी आपकी, आप 2022 में जुलाई अगस्त तक आपका उम्मीद है कि तब आप यहाँ पर PR लेके पहुंचोगे। जैसे एग्जांपल मार्च अप्रैल जब भी उसको मिलता है PR, अगर हम चलो मान लो कि बाय चांस उस टाइम पे कोई तिथि निकल आती है, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, नॉट अ लैविश वेडिंग, वी डू अ कोर्ट मैरिज, तो क्या तब पॉसिबल है कि उसके बाद में अपनी फाइल लगा दूं ऐसा कुछ? हाँ, उसपे मैं मार रहा हूँ, तो पहले हम दूसरे सिनेरियो पे बात करेंगे। तो ये तो पहला सिनेरियो है, दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो के पहले उसको PR मिलेगी, वो PR लैंड होगी और लैंड के बाद वहाँ रहेगी, उसके बाद नौकरी वगैरह कुछ होगा और उसके बाद वो करेगी। इस फर्स्ट सिनेरियो में आप पहुँचोगे 2022 तक, यू नो जुलाई और समथिंग, तब तक आप पहुँचोगे। सो दैट इज अ सिनेरियो नंबर वन। पहले, इससे पहले कि हम दूसरे सिनेरियो पे जाएं, हम पहले पहले सिनेरियो के बारे में थोड़ा सा और तफसील से इसको खोलने, राज खोलने इसके। जी सर, होगा क्या कि जब कोई PR या सिटीजन कनाडा से इंडिया आती है मैरिज कराने, और उसके बाद क्योंकि अभी वो रिसेंटली PR बनी है, 6 months में PR बनी है, उसके बाद वो फ्लाई करके इंडिया आती है और फिर मैरिज करते हो आप और बैंड बाजे बजते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं वगैरह वगैरह करके, उसके बाद स्पॉन्सर होता है, तो जब वो एप्लीकेशन पहले कनाडा में जाएगी और उसके बाद कनाडा से दिल्ली हाई कमीशन में इसको ट्रांसफर करेंगे, कि जो अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकर है वो वीजा ऑफिसर सिटिंग इन न्यू दिल्ली हाई कमीशन है, तो वो ये देखता है, वो ये देखता है कि इन लोग के शादी की सर्कमस्टांसेस क्या हैं, क्या इस लड़के ने शादी कराई है, लड़की से शादी कराई है, क्योंकि ये रिसेंटली PR बनी है, इसके सहारे वो अपनी PR लेना चाहता है। आप समझ रहे हैं बात मेरे को? इसको दिस इज कॉल्ड रेगुलेशन 4, यू कैन चेक ऑन गूगल इफ यू, R4 बोनाफाइड्स ऑफ मैरिज। दैट मींस के इसकी मैरिज की इंटेंशन क्या थी, इसने लड़की फंसाई है शायद, कोई अपनी दोस्ती करी है, व्हाटएवर, कि भी हम भी PR जाएंगे, क्योंकि अपना इसके एक्सप्रेस एंट्री पे अपना उसके बेस पे होना ही था। तो नाउ द डिसीजन इज समथिंग एल्स, नाउ द डिसीजन इज मे बी समटाइम्स देयर इज अ इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, एंड नाउ द डिसीजन इज कि शुड आई गिव द वीजा, शुड आई गिव द PR वीजा टू विपिन राणा बेस्ड ऑन द स्पाउसल बोनाफाइड्स ऑफ द मैरिज। और इसमें कोई गारंटी नहीं है, मैंने कई बार इसको आंकड़े भी मैंने दिए हुए हैं कि न्यू दिल्ली हाई कमीशन में जितने भी स्पाउस वीजा, इट्स नॉट कॉल्ड स्पाउस वीजा, इट्स कॉल्ड PR बेस्ड ऑन फैमिली रिलेशनशिप, PR बेस्ड ऑन मैरिज, इस इन केसेस में करीब करीब 30-40% केसेस रिफ्यूज होते हैं। दैट मीन्स कि अगर 10 केसेस हैं ऐसे मैरिज बेस्ड PR लेने के लिए, आप मान के चलो कि मिनिमम 3-4 केसेस तो रिफ्यूज होंगे ही होंगे, बिकॉज दे विल नॉट क्लियर द सस्पिशन ऑफ द वीजा ऑफिसर कि आपकी मैरिज क्यों हुई, कैसे हुई। तो आपको मैं आपको पहले से सचेत कर देता हूं कि ये एक रियलिटी है। उसके बाद अगर आपको अगर असेसमेंट क्लियर कर गए तो आप जाके पहुंच सकते हो। तो ये तो है सिनेरियो नंबर वन, ठीक है। अब हम मुड़ते हैं सिनेरियो नंबर टू पे, जो आपने कहा और जो लोगों के मन में है कि पहले इसका PR हो जाए, दैट मीन्स कि इसको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ जाए, या इसको वीजा इशू करने से पहले या पासपोर्ट रिक्वेस्ट से पहले, मेरे पास ऐसा भी केस आया कि वीजा लग गया, वीजा लगने के बाद मैरिज हो गई, ऐसा भी मेरे पास केसेस है। तो पहले मतलब उसका काम क्लियर हो जाए, उसके बाद में हम शादी कर लेते हैं, जैसे आपने कहा कोर्ट मैरिज, और उसके बाद में जाते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये है, और इसके जो रूल्स हैं, इसके जो गाइडलाइंस हैं, इनकी वेबसाइट पर अच्छी तरह दे रखे हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक क्लास में जा रही है, ये पॉइंट सिस्टम पे जा रही है, और लैंडिंग करने से पहले, डैट मीन्स कि वीजा इश्यू हो गया और फ्लाइट लेके वहां पर एयरपोर्ट पे लैंड करने से पहले अगर इसके सर्कमस्टांसिस में चेंज आता है, विच इज मैरिटल, डैट मीन्स कि पहले सिंगल से उसने वो लिया था, अब जाके मैरिटल स्टेटस का चेंज हो गया, तो इसकी इवैल्यूएशन दोबारा होगी। उसकी इवैल्यूएशन कैसे हो, उसकी दो तरह से इवैल्यूएशन मैं बता देता हूँ क्या है, कि अगर
जैसे आपने कहा कि उसके पॉइंट बनते हैं 471 और वो शादी करती है तो पॉइंट्स उसके बन जाते हैं कितने, 450 समथिंग, 456 सर, 456। तो जिस ड्रॉ में उसका वो आया था, उसका अगर ड्रॉ में जैसे कि कट ऑफ वॉज 470 या 471 समथिंग, कि अगर शादी करने के बाद उसका उसका स्कोर अगर 450 पे डिप कर जाएगा, दैट मींस नाउ शी इज इनएलिजिबल टू गेट द पीआर वीजा इन दैट कैटेगरी। आप समझ रहे मेरी बात? सो शी मस्ट बी एलिजिबल बियॉन्ड अ सर्टेन कट ऑफ, कि उसकी एलिजिबिलिटी बरकरार रहनी चाहिए। तो ये उसमें होगा कि अगर आप उसके लैंडिंग करने से पहले अगर आप शादी कर जाओगे तो वो भी इनएलिजिबल हो जाएगी, दैट मींस कि दोनों को काम वहीं पर फिक्स हो जाएगा, वहीं पर बैठ जाएंगे आप। ओके, हाँ, तो शादी आप पीआर उसका उसकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गया या वीजा भी लग गया, लैंडिंग करने से पहले अगर आपने शादी कर ली तो ये हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम एक और है विच इज ऑफकोर्स मे नॉट बी ट्रू इन योर केस, बट मैं आपको बता दूं कि क्या होता क्या है कि एज सून एज कोई एप्लीकेंट जो ऑलरेडी पीआर की लाइन में लगा हुआ है और वो दूसरे पार्टनर को अटैच करता है, तो दूसरे पार्टनर को भी फॉर्म्स भरने पड़ेंगे सारे। दैट मींस के आपके 0008 भरना पड़ेगा, आपको 5645 भरना पड़ेगा, आपको 5669 भरना पड़ेगा, आपको पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल क्लियरेंस वगैरह वगैरह, ये सारे आपको वो सारे पूरा आपको चिट्ठा आपको अटैच करना पड़ेगा। और क्योंकि आपने पूछा, मैं आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि होता क्या है कि एंड आई सेड may not be in your case, अगर दूसरा पार्टनर को कोई प्रॉब्लम है, दूसरे पार्टनर को अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो खेल खत्म हो जाएगा पहले पार्टनर का। सो फर्स्ट पार्टनर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एप्लीकेंट और दूसरा पार्टनर इज लाइक यू, आपने जुड़ गया बाय चांस, खुदा ना खास्ता अगर आपके बॉडी में कोई मेडिकल कोई प्रॉब्लम निकल आई, मेडिकल इनएडमिसिबिलिटी निकल आई, तो आपका भी गया और उसका भी गया। दूसरी बात, कोई क्रिमिनल प्रॉब्लम निकल आई, फॉर इट इज वेरी पॉसिबल एंड आई सी केसेस ऑल द टाइम, अगर आप इन द मीन टाइम अगर आप शराब पी के गाड़ी चला रहे, किसी की मौत हो गई, कुछ हो गया, आपके अगेंस्ट कोई केस बन गया, कोई आपने किसी का कोई असॉल्ट हो गया, कुछ हो गया, कोई भी आपकी कोई पुलिस रिलेटेड या क्रिमिनल रिलेटेड कोई इनएडमिसिबिलिटी आ गई, तो आपका वो खेल खत्म हो जाएगा। मतलब देयर इज अ लिस्ट ऑफ अबाउट 7 इनएडमिसिबिलिटीज एंड यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट। अगर कोई भी इस तरह की बैकग्राउंड प्रॉब्लम आएगी तो वन पार्टनर्स प्रॉब्लम विल कॉज द अदर पार्टनर एप्लीकेशन ऑल्सो टू कोलैप्स। सो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट पीपल शुड नो ऑलवेज, कि भी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना चलाए। कई बार होता है कि दूसरे पार्टनर का के बैकग्राउंड में पुराने कोई वीजे रिफ्यूज हैं, उसके बारे में कोई मिसरिप्रेजेंटेशन का केस चल रहा है, कोई और कोई डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड केस चल रहा है, कुछ और चल रहा है, सो द अदर पार्टनर शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड क्रिस्टल, यू नो, उसमें देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। सो दैट्स हाउ इट इज। बट इफ यू लुक एट द सेकंड सिनेरियो इन योर केस, उसके पॉइंट्स इतने बॉर्डर लाइन पे हैं कि अगर उसका कट ऑफ उसका 470 471 पे आता है, सो दैट मीन्स कि आपसे शादी करते ही इमीडिएटली 20 पॉइंट अगर नीचे जाती है तो खेल खत्म हो जाएगा। जी जी, आपके सामने अब समझ रहे, थोड़ा सा लॉजिक समझ गए ना आप सब? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसका एक्सप्रेस एंट्री का, दैट ऑफ दैट कट ऑफ इन दैट ड्रॉ शैल बी मेंटेन नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस इज। हो सकता है कि यू नो, कई बार मेरे पास एक केस भी पहले आया था कि जिनके बिल्कुल पीआर वीजे लग गए थे, एक्सप्रेस एंट्री भी लग गए थे, लेकिन किसी वजह से वो जा नहीं सके क्योंकि नौकरी छुट्टी लेनी है, और मीनवाइल उनके वाइफ के बच्चे हो गए, दो बच्चे हो गए, अब लाइक जुड़वा बच्चे हो गए, तो बच्चों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बच्चे से तो कोई ड्रॉ नहीं आता, तो उसके लिए उसके फॉर्म्स भरे, वो करे सारा, और 6 महीने एक्स्ट्रा लग गए, एंड ऑफ कोर्स यू नो विद इन टाइम दे कम, बट एडिशन ऑफ अ स्पाउस विल ऑलवेज ऑल्टर द होल सिचुएशन। ओके, तो सर जैसे मैंने पढ़ा भी है और लिखा भी आता है कि आई डोंट नो कितना सच है या झूठ है, कि अगर आईटीए के बाद शादी होती है तो पॉइंट्स गिरेंगे, लेकिन अगर एओआर के बाद या बायोमेट्रिक तक अगर आप शादी कर ले तो ऐसा कुछ होता है सर? मतलब मुझे बता दीजिए इसके बारे में। नो नो, द लीगल व्यू पॉइंट इज वेरी क्लियर। अगर अगर आपके, मैंने आपको बताया ना कि एओआर भी आ गया, मैं कह रहा हूं कि वीजा भी इशू हो गया, वीजा आप पासपोर्ट में आपकी वाइफ को लग गया है, आपकी फ्रेंड को वीजा लग चुका है, लेकिन अभी वो फ्लाइट लेने में उसका मे बी 1 महीने बाद जाएगी या जैसे भी जाएगी, उस टाइम कुछ हो गया, तब भी आपको शी हैज टू गेट अगेन यू नो रीइवैल्यूएटेड, बिकॉज आई मीन ट्राई टू इमेजिन के लेट्स से कि आज वीजा लग गया है, अगले हफ्ते मैंने शादी कर ली, और उसके बाद मैंने 2 हफ्ते बाद मैं कैनेडा में पहुंची, यू नो, एंड टोरंटो एयरपोर्ट पहुंची, The first question that the border officer will ask you, is there any change in your circumstances? I mean,
there could be many changes. There could be a medical problem, there could be a criminal problem, there could be a marital problem, marital, you know, change problem. Correct. If there's Correct. Any change, they will not give you the landing for sure. Aapko wo landing, asli jo PR milti hai, wo jo border pe jo examination matlab just for maybe 5 minutes, 10 minutes check, just to check the identity, just to check all the facts and information. अगर उस वक्त उनकी आपकी एलिजिबिलिटी आपकी कंटिन्यू नहीं है उस तक अगर उस टाइम तक अगर कोई एलिजिबिलिटी में कोई चेंज आ गए सो दे विल डिनाई यू द लैंडिंग दैट मींस के लैंडिंग मतलब वो स्टैंप लगती है कि हाँ नाउ यू आर अ पीआर सो वो जब तक नहीं होती है तब तक यू नो यू आर नॉट अ पीआर और अगर कोई मैरिटल सर्कमस्टेंसेस अगर चेंज हो गए सो दे विल डिनाई इट एंड देन दे विल से गो बैक और दे विल गिव यू अ टेंपरेरी यू नो विजिटर परमिट परहैप्स एंड देन गो एंड अप्लाई फॉर योर हस्बैंड again, you know, put again, and as soon as she applies to husband again, your points will go down, and now you are not eligible for PR in that category. जी, okay. तो आपके scenario में sir best यही है कि वो Canada पहुँचे और फिर वहाँ से sponsor करे. वो यही बसता है और तो कोई है नहीं. अगर तो उसका score बहुत ज़्यादा होता ना, उसका score जैसे के मतलब स्कोर उसका 490 होता और ज्यादा होता और शादी करने के बाद भी 470 तक आता फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी पर मेरे पास कुछ केसेस हैं जिनके पॉइंट्स 490 प्लस भी टच करते हैं ऐड कर रहे हैं तो उनको जैसे हैं इस केस में उनको अगर शादी भी करते हैं तो इट विल नॉट इफेक्ट एनीथिंग सो मेरे को तो और कोई आपके सिचुएशन में तो सिनेरियो वन ही लगता है जो प्रैक्टिकल है प्रैग्मेटिक सिनेरियो है ओके तो सर जैसे उसने वहां पे कनाडा लैंड किया yeah. अब जब स्पॉन्सर कब होता है जब उसकी जॉब लग जाएगी तब वो करेगी या लैंड करते ही वो नेक्स्ट डे अप्लाई कर सकती है ये भी बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा मैं आपका शुक्रिया करता हूँ जो आपने सवाल ये पूछा मेरी सारी आपकी वीडियोस का जो एनालाइज किया है ना मैंने तो वो जो 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 समझ पाया वो समझ गया जो नहीं समझ पाया वो अभी पूछ रहा हूँ और बाकी जिस जो जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं और जो नहीं उससे नहीं समझ पाए तो इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा सर क्योंकि आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने कहा था कि मेरे पास लोग तब आते हैं जब उनका ना इंजरी हो जाती है उन्हें That is correct. इंजरी होने से पहले नहीं आते हैं बहुत बहुत आपने समझदारी करी सर जी ये पहले से अगर आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो मालूमात ले रहे हो इससे आगे थोड़ा सा झटका लगने में थोड़ा सा अवॉइड कर जाओगे बच जाओगे अदरवाइज लोग सर, मैंने अपनी सारी फोटोग्राफ्स वगैरह बिल्स वगैरह साथ में अगर कोई घूमेंगे भी वो सारा मैंने फोल्डर्स बना दिया अलग अलग वंडरफुल That's wonderful. चलो इस पे दोबारा क्वेश्चन अपना दोबारा रिपीट करो फिर इसका आंसर देते हैं दोबारा सर तो जब वो लैंड करेगी कनाडा तो लैंड करने के नेक्स्ट डे वो अप्लाई कर सकते हैं या उसको 3 महीने की तनख्वाह दिखानी पड़ेगी वहां पे उसका मैं आपको लीगल जो जवाब मैं दे देता हूं कि ये जो आपने 3 महीने वाला जो पढ़ा है कहीं से पढ़ा आपने सुना है 3 महीने वाला ये कैटेगरी होती है वर्क परमिट की स्पाउस वर्क परमिट की इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा इसके तार खोल देता हूँ कि जो स्टूडेंट यहाँ पर जो पढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेते हैं यहाँ वर्क परमिट मिलता है ना तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेते हैं उसमें जब वो 3 पे पीरियड कुड बी मे बी एवरी वीक कुड बी 2 वीक्स और समथिंग 3 जो पे पीरियड कहते हैं चाहे तो महीने का हो सकता है चाहे 2 हफ्ते का हो सकता है चाहे 1 हफ्ते का हो सकता है जब वो 3 पे पीरियड काम कर चुके हैं और तब जाके अपने हस्बैंड को ओपन वर्क परमिट के लिए स्पॉन्सर करते हैं तो वो रिक्वायरमेंट एक अलग है लेकिन जो आपकी सिचुएशन जो है वो है क्योंकि आपकी जो वाइफ स्पाउस है वो आपको पीआर के लिए कर रही है जो पहला वाला एग्जांपल था वो वर्क परमिट के लिए था थोड़ा सा क्लियर हो गया थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो गया जी क्लियर हो गया सर क्लियर हो गया गुड सो जो आपका जो है कि आपको पीआर के लिए करना है उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है चाहे कोई भी लॉयर है कोई भी कंसल्टेंट कुछ भी कहे द लॉ इज वेरी क्लियर कि एक बार वो जब वो पीआर बन गई लेट्स से कि आज स्टैंप लग गया उसको अगले दिन वो अपने घर बैठी है अगले दिन से ही आपके लिए फॉर्म भर सकती है लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं मैं बता देता हूँ क्या शर्तें हैं 3 जो महीने की नौकरी या 3 पे पीरियड की वो एक मैंडेटोरी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन उसमें जब वो फॉर्म भरेगी फॉर्म में उसको एक लिखना पड़ता है एक चेक करना पड़ता है कि भाई हाउ विल यू सपोर्ट योर हस्बैंड ठीक है क्योंकि वो स्पॉन्सर कर रही है अंडर फैमिली स्पॉन्सरशिप और फैमिली स्पॉन्सरशिप में जो स्पाउस को जो स्पॉन्सर है उसको आपकी जो जिम्मेवारी है 3 साल के लिए उसके सिर पे है डेट मीन्स कि आपका फूड बोर्डिंग लॉजिंग वगैरह ये सब जो आपके जो खर्चे हैं मोर लेस अगर
खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, आपके पास पैसे नहीं है, आपको कुछ इट बिकम्स वेरी रेयर ऑफ कोर्स, बट कई बार हो जाता है। तो अगर आपको कोई कोई खर्चे आपके से नहीं हो रहे हैं और आप सरकार से खर्चा लेते हो, तो वो उसके सिर पे है, क्योंकि एज अ स्पॉन्सरशिप शी इज साइनिंग एन ऑब्लिगेशन टू टेक केयर ऑफ ऑल योर फाइनेंशियल एंड अदर अदर यू नो सब्सिस्टेंस नीड्स। तो उसको एक फॉर्म जो भरती है, तो उसमें उसको चेक करना पड़ता है कि आई एम विलिंग टू टेक केयर ऑफ यू। उसकी लैंग्वेज तो बहुत बढ़िया, बट मोटा मोटा ये है कि आई एम विलिंग टू टेक केयर ऑफ माई हस्बैंड। और उसको वो कैसे प्रूव करती हैं कि हमारे हमें मेरे पास विलिंगनेस और एबिलिटी है, उसके लिए हमारे पास जॉब होनी चाहिए जी। अगर जॉब ही नहीं होगी तो इनकम कहाँ से होगी? क्या पता उसके पास बहुत सारे पहले के पैसे हों, या किसी के पास हो सकता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हों तो उसको जॉब करने की जरूरत नहीं, या उसको कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसने उसमें कुछ इनकम हो रही है। लेकिन ट्रेडिशनली 99.9% जो पहले लोग जो नए लोग आएंगे उनके पास कोई ना कोई जॉब होनी चाहिए या होती है, या हो सकता है कि गवर्नमेंट से एग्जाम्पल्स मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। कई बार कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल हैंडीकैप्ड हैं, वो काम नहीं कर सकते, उनको सरकार की तरफ से एक, अल्बर्टा की बात कर रहा हूँ, जैसे अल्बर्टा मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर एक एक इनकम सपोर्ट मिलता है जिसको कहते हैं ऐश। तो उसमें अगर आप काम नहीं कर सकते, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, अगर आपको कोई ऐसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो सरकार अपनी तरफ से आपको एक रहने खाने के लिए, रोटी पानी के लिए आपको पैसे देती है। तो अगर मैं उसको लेकर अगर वो इमिग्रेशन को बता रहा हूँ कि ये मेरी इनकम है, तो उसको भी वो मान लेंगे कि आपको इनकम कोई ना कोई आनी चाहिए। डैट मीन्स कि इनकम के प्रूफ के बगैर आप वो फॉर्म को भर नहीं सकते, आप वीजा ऑफिसर को तसल्ली नहीं दिला सकते कि आप अपने हस्बैंड को कैसे टेक केयर करोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3 महीने के लिए चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर वो अप्रैल मई में आती है और उसके बाद लेट्स से मई में ही विद इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स उसके बाद एक जॉब लेटर, जॉब कोई भी छोटी मोटी जॉब, ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल, कोई भी छोटी मोटी जॉब उसके पास होती है, एक जॉब लेटर ही काफी है उसके लिए आपको स्पॉन्सर करने के लिए। ओके, समझ गया। और जॉब लेवल की उसमें एक चीज और है, शायद आपको पता नहीं है या कुछ लोगों को पता नहीं, उनके लिए भी मैं बता दूं कि उसमें इसमें ये नहीं है कि कितनी सैलरी हो या कितने पैसे हो। जैसे कि अगर हमारी मिनिमम वेज $14-15 है पर आवर, विच इज वेरी लो एज फार आई थिंक, उसमें ऐसा नहीं है कि आपकी तनख्वाह अगर ज्यादा नहीं है तो आप कैसे स्पॉन्सर करोगे। इनकम का होना काफी है। द क्वांटम ऑफ मनी, कितनी इनकम है, दैट हैज नथिंग टू डू विद दिस फैमिली स्पॉन्सरशिप। करेक्ट, समझ गया, ठीक है, ओके। और तो अच्छा सर, एक और चीज पूछनी थी, उसका जो नॉक कोड है दैट इज 4214 व्हिच इज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, ठीक है जी। तो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है सर कनाडा में? आई मीन वी आर ट्राइंग फॉर वैंकूवर बेसिकली। मैं सच बता दूं, मतलब मैं जो मैंने रिसर्च करी अपनी, मैं वो सारी आपके सामने रख रहा हूं। बिल्कुल। तो हम वैंकूवर के लिए सोच रहे हैं सर। सो मुझे ये पता है कि उसको एक ब्रिजिंग कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि शायद वो लाइसेंस वाला कुछ होता है वहां पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का। तो हाउ इज द जॉब और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट? थोड़ा सा मैं अपने दिल की बात आपको, क्योंकि मेरे को आपकी आपकी बातें पसंद आ रही हैं और मेरे को आपका अप्रोच पसंद है, क्योंकि मैं पसंद करता हूं कि जो लोग रिसर्च करते हैं इस बारे में। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा ना कह जाऊं इससे, कि कई लोग इमिग्रेशन लॉयर्स कंसल्टेंट मेरे को कई बार कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों कह दिया, बट दैट्स ओके, आई विल टेक दैट लिबर्टी। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर है क्या, थोड़ा सा इसको हिंदी में समझे कि क्या है ये, भला क्या है। जैसे दिल्ली में एक क्या कहते थे पहले उसको, हमें याद नहीं है, मेरे को दिल्ली छोड़े हुए भी काफी साल हो गए, उसको कहते थे क्रेश, किंडरगार्टन टीचर, नहीं किंडरगार्टन, क्रेश समझते हो, क्रेश जहां पर बच्चों को, क्रेश जी, क्रेश कहते हैं, क्रेश ऐसा, जहां पर सुबह सुबह माँ बाप बच्चे को छोड़ जाते हैं कि बच्चा यहाँ पर देखता रहेगा कोई, हमें इसको मतलब बच्चे को देखता रहेगा और हम अपने जॉब पे जा रहे हैं, अगर हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं तो बच्चे को छोड़ जाते हैं कि भाई हम शाम को उठा के ले लेंगे यहाँ से और बच्चे वहाँ खेलते हैं, इसको क्रेश कहते हैं, इसको किंडरगार्टन से उसमें जहाँ उसकी वो खाना खिलाते हैं, खेलते रहते हैं, कई बार छोटे बच्चे होते हैं उनके वो भी करने होते हैं। तो मोर और लेस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का चक्कर है क्रेश का है। क्रेश को यहाँ कहते हैं हम डे केयर कहते हैं, यहाँ पर डे केयर मतलब कि डे के दिन सुबह छोड़ा हमने बच्चों को, शाम को हमने घर ले गए, इसको कहते हैं डे केयर। और डे केयर में होता क्या है, व्हाट इज डे केयर इन कनाडा? डे केयर में काफी सारे बच्चे, मतलब के आप सोचो कि डिपेंडिंग ऑन कितनी उनका साइज है, हो सकता है कि 15, 20, 25, 30 बच्चे वहां पर खेलते हैं, नीचे खेल रहे हैं, खिलौने पड़े हैं और उनके
एम्प्लॉयज हैं उनको नाम चाहे कुछ भी कह लो, डे केयर एसोसिएट, डे केयर वर्कर कह लो, उनके पीछे भागते हैं, उनके पीछे खाना खिलाते हैं, कोई छोटा बच्चा है कोई दूध पिला रहे हैं, कोई खाना खिला रहे हैं, कई बार उनके डायपर भी चेंज करते हैं क्योंकि वो अपने जो, अब मैं हिंदी में क्या बोलूँ, मलमूत्र का त्याग कर देते हैं वो, तो हाँ उनके मैं समझ गया। हाँ उनके डायपर भी चेंज करते हैं, उनको थोड़ा पोंछते भी हैं, उनको भी घुमाते हैं, फिर घुमा के ले आते हैं और सब, यू नो, ये सब काम करते हैं। तो ये काम काम कोई बुरा नहीं है, जिंदगी में काम काम है, लेकिन ये काम के लिए इतनी पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, जैसे आप समझ रहे हैं ना, ये बच्चों को थोड़ा करना कि बच्चे ये करो वो करो, इतनी बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है इसकी, कोई भी कर सकता है। पहली बात तो ये समझने वाली। दूसरी बात, इसमें जो सैलरी है, अब पता नहीं वैंकूवर का मार्केट, मेरे को नहीं पता क्योंकि आई एम इन अल्बर्टा, वैंकूवर थोड़ा हाई एरिया है, थोड़ा एक्सपेंसिव एरिया है, वहाँ हो सकता है कि स्टार्टिंग में सैलरी, क्योंकि ये लोग जो डे केयर का काम करते हैं ये टिपिकली, मतलब कि जो नए इमिग्रेंट्स हैं, नए लोग हैं जिनको और कोई जॉब नहीं मिलती, उनको रखते हैं। इट इज़ वेरी रेयर, आप किसी से भी कैनेडा में पूछ लेना, जो इंसान जो डे केयर वर्कर या जो टीचर या कोई लाइसेंस ऐसा कोई कोई इस तरह का कोई है जो बहुत साल से यहाँ कनाडा में रह रहा हो, जैसे 20-25 साल या मे भी 10 साल से रह रहा है, वो कभी डे केयर में आप देखोगे नहीं वो काम कर रहे हैं, क्योंकि दे हैव बेटर ऑप्शंस। डे केयर में नौकरी कौन करता है, क्योंकि जिसको कोई और शायद जॉब ना मिली और दे आर ट्राइंग टू डू द लाइसेंसिंग फॉर समथिंग एल्स एंड दे हैव टू हैव अ जॉब फॉर पार्ट टाइम, यू नो, मीनवाइल। तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी है, मैं नहीं समझता कि ज्यादा से ज्यादा $15, $16, $17 से ज्यादा मिल सकती है। आई डाउट इट वेरी मच, बट यू कैन डू रिसर्च ऑन, गो टू indeed.ca, www.indeed.ca, लुक एट द जॉब रिक्वायरमेंट्स, लुक एट द सैलरी, और आप, मैं आपसे पूछूंगा, आपने रिसर्च करी, आपने देखी कितनी सैलरी शो कर रहे हैं उसमें? सर मैं आपको बताता हूँ, सॉरी हमने वैंकूवर ही चूज किया, शी इज इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा ट्रेनर एज वेल। अच्छा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, योगा के बारे में बात करेंगे। आप पहले ये बताओ कि आपने जो सैलरी देखी उसमें कितनी सैलरी आई थी वैंकूवर एरिया में? स्टार्टिंग जो वैंकूवर की स्टार्टिंग में देखा था, दैट वाज अराउंड $18 एज अ डे केयर, जो एक्सपीरियंस इन द डे केयर विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, नहीं सर बिलो 1 ईयर। अच्छा, बिलो 1 ईयर, 18 ईयर, चलो 18 के बाद आई थिंक, एक साल के बाद आई थिंक वो जाएगा 20 या 25 के आसपास जाएगा। So, करीब करीब $18 भी अगर, तो ये फुल टाइम जॉब के लिए अगर वो 40 घंटे भी काम करती है कोई, तो करते करते इसकी जो तनख्वाह है आप इसको गुणा कर लो, मल्टीप्लाई बाय 40, कितने होते हैं, इट इज क्लोज टू $650 और $700 बिफोर टैक्स, 728, करते करते इसको मुश्किल से $2,2100 आने हैं आफ्टर टैक्स हाथ में, आफ्टर वर्किंग 40 आवर्स वीक। It is not a very great salary, but it's a good entry point to start in Canada. You know, it's a good experience. But so, इसमें जो growth है, इसमें जो growth, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जब काम करोगे तो हो सकता है कि कुछ साल करने के बाद, एक साल दो साल काम करने के बाद लोग सोचते हैं कि मैं अपना खोल लें, तो वो एक entrepreneurial चीज है, वो कर सकते हैं। लेकिन as far as growth is concerned, I coming back to your original question on what do you see as a potential? I personally do not see as a potential for high activity and high career growth in this area for anybody. Right. ये मेरा ultimately मेरा conclusion ये है कि it's not a, लेकिन आपको ये बता दूं कि अगर आपने इस category में, अगर आपने express entry ली है, जरूरी नहीं है कि आपको इस category में ही आपको job करना है। हाँ सर, हम basically जो मैंने plan किया था सर वो यही किया था कि वो जाएगी तो teacher के उस पे क्योंकि उसके पास 3-4 साल का experience है वैसे। लेकिन बट शी विल बी डूइंग योगा, सो समथिंग लाइक विद किड्स योगा एंड अ नॉर्मल योगा, बिकॉज़ आई एम आल्सो अ पर्सनल ट्रेनर एंड अ मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट। चलो उसके बारे में हम थोड़ा सा इसको सेकंड स्टेज में बात करते हैं। पहले आपका जो ओरिजिनल सवाल था वो क्लियर हो गया? जी सर, परफेक्ट हो गया। आपने पूछा था कि इसमें क्या स्कोप है, क्या वो है, ये थोड़ा क्लियर हो गया? जी सर, ये पूरा क्लियर हो गया। तो अगर अगर उसको जॉब कोई और, जैसे आपने बोला कि योगा में और न्यूट्रिशन में अगर कोई जॉब का कोई चक्कर अगर होता है, आई एम प्रीटी सर्टेन कि उसको डे केयर में काम करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि जो योगा में, जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे वैंकूवर है, टोरंटो है और मॉन्ट्रियल भी, यहाँ पर एक सिस्टम है, यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस के बीच में एक ऐसा कोई, जैसे जिम्नेजियम होता है वैसे योगा सेंटर काफी बने होंगे, आई एम श्योर। मेरे तो एडमिंटन में भी एक है शायद,
उसमें उसमें इसको ज्यादा एक सक्सेस मिलेगी अगर ये योगा में काम करेगी या रेगुलर जो जिमनेजियम में अगर ऐसे फिटनेस ट्रेनर टाइप अगर ऐसे काम करेगी. आई सी दैट मोर एज अ पोटेंशियल फॉर हर देन वर्किंग इन डे केयर होम और तो बेसिक्स हम दोनों ही हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में ही काम करेंगे एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है. स्कोप अच्छा है. मेरे पास कल परसों भी एक योगा एक्सपर्ट का कॉल कर रहे थे मेरे को सिंगापुर से, और उनको भी मैंने ये कहा कि आपका जो पोटेंशियल बहुत अच्छा है यहाँ पर योगा में, आपको जरूर यहाँ पर आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी, आपको एक ग्रोथ भी होगी, और इन फ्यूचर यू कैन बी अ प्राइवेट. आई नो, आई डोंट नो टू टेक एनी नेम्स. आई नो इन एडमंटन यहाँ पर एक ऑफिस में एम्प्लॉयज हैं जहाँ काम करते हैं, तो उनके उस कंपनी में भी उनको मेरे ख्याल है कि कुछ दिनों के बाद समथिंग उनके अपने एम्प्लॉयज के लिए जो मैनेजमेंट है वहाँ पर योगा एक सॉर्ट योगा ट्रेनर हाँ योगा वालों को बुलाते हैं कि भाई हमारे एम्प्लॉयज को थोड़ा सा इनका स्ट्रेस कम होना चाहिए, इनकी हेल्थ से. तो योगा योगा इंस्ट्रक्टर का, योगा फिटनेस ट्रेनर का स्कोप इज मच मोर देन अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑक्यूपेशन. दिस इज व्हाट वी आर कमिंग एट टू. यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ठीक है सर. सर सेकंड ये है कि एग्जांपल वो वहां चली जाती है, वो वहां से स्पॉन्सर करती है, ओके, स्पाउस स्पॉन्सर करती है. सो डॉक्यूमेंटेशन इंडिया में मुझे फोटोग्राफ्स तो मैंने करके चालू कर दी है. If we are traveling together, उसके भी documents, bills वगैरह हमने photographs collect करने चालू कर दिए हैं. And we are also trying to maintain the bank balance कि हमारा and ऐसा ना हो कि end मौके पे हम कुछ proof ना कर पाए. Yeah. So क्योंकि आपकी video देखी थी कि 12 महीना, I remember you always say that word, 12 महीना हमेशा करो. तो ये yeah. सोच के कि चलो मेरा अगर September में चालू होता है तो मैं अपना 12 महीना at least चालू करूँ कि उनको उनकी तरफ से doubt ना आए, because visa refusals बहुत ज़्यादा है दिल्ली में. बहुत ज्यादा दिल्ली में उस चलो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक शायद स्क्रीन पे कुछ दिखा दूं और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में. देखते हैं आपको शायद स्क्रीन में कुछ. कैन यू सी माय स्क्रीन? नहीं, हाँ अभी आ रहा है. कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर. इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, सॉरी मैं भी थोड़ा सा. अब दिख रहा है स्क्रीन पे? जी सर, परफेक्ट है. ठीक है. क्योंकि आप सारी इंफॉर्मेशन आप तैयारी कर रहे हो पहले से इन एडवांस, तो आपको बहुत एडवांटेज होने वाला है इस चीज का. जो वीजा ऑफिसर देखते हैं ये फैमिली स्पॉन्सरशिप में, मैरिज स्पॉन्सरशिप में, वो देखते हैं कि नंबर वन, ये शादी कैसे हुई, क्यों हुई, किसने कराई, क्या इंटेंशन थी. तो अभी तो वो एक्सप्रेस एंट्री का चल रहा है उसके पास, और अभी तो शादी भी आपके एक साल बाद है. आपके जो जो सिचुएशन में जो आपको करना है, आपको मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप अपने फियांसे को कितने साल से जानते हो? सर 2 साल हो गए, हम दिसंबर में मिले थे 2018. ओके, सो हम ऐसा करना चाहिए. इफ आई वर यू, हम ऐसा करेंगे. इफ आई वर द एप्लीकेंट, आप एक सारे जो 2 साल पहले से जब आपके इंट्रोडक्शन हुई थी, कैसे मिले थे, किसी दोस्त ने मिलाया था या डेटिंग चैट या कैसे मिले थे, उसके सारे सबूत अपने फाइल में रखना शुरू कर दो. डेट मीन्स के सर वो सारे रख दिए. गुड. सो हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो 2 साल, हम उसके जो सबूत चाहिए कैसे मिले थे, उस जमाने की चैट हो, उस जमाने की कोई फोटोग्राफ्स हो, उस जमाने में कोई आप साथ में कोई खाना खाने गए या कॉफी पीने गए या कुछ है, उस जमाने के जितने भी you know, time of spent together, उस जमाने के सारे आप रखने शुरू कर दें. ठीक है, पहली बात तो ये है, उससे पता लग जाएगा कि ये हो रहा है. जहां तक शादी के बाद की बात है, शादी के बाद जब शादी होती है तो शादी में आपको करना क्या है? शादी आपकी मंदिर वगैरह में होगी, रिलीजियस होगी? सर मेरा प्लान तो गाजियाबाद था, लेकिन आपकी वीडियो देखी तो मैं गाजियाबाद में नहीं कराऊंगा. हाँ, गाजियाबाद बिल्कुल मत जाना. हाँ मैं दिल्ली साकेत से कराऊंगा, साकेत कोर्ट से. वो मैं तो भी कह रहा हूँ सर, मैंने आपकी वीडियो 8 घंटे देखी है सर. आप विश्वास नहीं मानोगे, शायद मैं ही इकलौता बंदा होगा जिसको इतना वेला होगा दुनिया में कि मैं वीडियो देख रहा हूँ बैठ के. सर जी मैं दिन आपकी वीडियो देखी है. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और मैं यूट्यूब के सामने नतमस्तक होके मैं उनका शुक्रिया करता हूँ कि उनके माध्यम से एक एजुकेशनल एक इंफॉर्मेशन आपसे पहुंच रही है, और उससे हिसाब से आपका एक सही
एक मार्गदर्शन हो रहा है। गाजियाबाद की प्रॉब्लम यह है, गाजियाबाद की जो इंडस्ट्री है, टेम्पल इंडस्ट्री है, वो थोड़ी टेंटेड है, और कैनेडियन हाई कमीशन वालों को गाजियाबाद का नाम सुन के ही सांप सूंघ जाता है। तो वहाँ की कई आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ प्रॉब्लम होती है। पता नहीं प्रॉब्लम आज सॉल्व हुई कि नहीं है, लेकिन काफ़ी केसेस हैं, उन्होंने गाजियाबाद का नाम सुन के ही उन्होंने कह दिया कि ये मैरिज को भी प्रॉपर। एनीवे, आपको जो एक प्रॉपर जो मैरिज करनी है, जब आप दिल्ली में हो, दिल्ली में कहीं भी आप मंदिर में करो, मैरिज करो, कुछ बातें जरूर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि जो एक रिलीजियस सेरेमनी हो रही है, जैसे फेरे हो रहे हैं, सब हैं, उसकी आपको मैक्सिमम फोटोज लेनी है। करेक्ट। कई बार मेरा दिल दुखता है कि लोग कहते हैं जी हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं जी, हम तो शादी हो गई जी, मेरे पास एक दो फोटोग्राफ हैं जी। मैंने कहा कमाल हो गई, इतनी बड़ी शादी का, इतना बड़ा महत्वपूर्ण एक इवेंट हो रहा है जिंदगी का, आपने दो फोटो भी हो गए, फोटो ले रहे हैं वो रिसेप्शन की, फोटो ले रहे हैं बाहर के जो बैंड बाजे बज रहे हैं, लेकिन अंदर सेरेमनी की फोटो नहीं है। आई वॉन्ट देम टू टेक क्लोज टू, आई वुड से एटलीस्ट अबाउट 100+ फोटोज ऑफ द जहाँ पर आपका जो अग्नि कुंड है, और जो पंडित बैठे हैं, और आपके फादर मदर रिश्तेदार जो भी कुछ हो रहा है वहां पर, सबकी आप कम से कम 100+ फोटो लें, ठीक है? उसके फोटो तो आगे भी लेनी है, आगे जो उसके बाद कोई सेरेमनी होती है, जो मतलब रिलीजियस सेरेमनी के बाद और भी कुछ होता है, तो उसकी फोटोज लेते हैं। तो आप मान के चले फोटोज आप, सर जो उसका जो पीआर का प्रोसेस चल रहा था ना, हम उसकी भी पिक्चर्स ले रहे हैं, कि जो एसीए कराया उसकी भी पिक्चर्स ले रहा हूं मैं, कि हमें उसके साथ गया कॉलेज में, बहुत अच्छी बात, स्टैंप लगवाई, सो वी आर डूइंग एवरीथिंग। सर आप तो चैंपियन हो सर, स्पाउस वीजा के आप चैंपियन हो जाओगे आप तो। सर ये आप सर आपके वजह से, सर मैं बता रहा हूं, मैंने इतना वो कर लिया है कि कभी मैंने आपको बोला कि सर मेरे को ले लो आप YouTube में, और इससे दूसरों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सो पहले हम बात करते हैं जो रिलीजियस सेरेमनी, उसकी फोटोज आप डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। उसके बाद दूसरी एक अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लड़की की शादी हो गई जी, लड़की जब आपके ससुराल जा रही है, आपके घर में और भी मेंबर्स हैं, आपके फादर मदर देवर भाभी ननद सारी हैं, उनके उनके थ्रू उनका क्या कनेक्शन हो रहा है, ये फोटोज में हमें जरूर मैं दिखाऊंगा। आई विल डू इट। जैसे मैं एक सेकंड मैं बात कर, अदरवाइज आई विल स्लिप आउट ऑफ माइंड। लड़की आ रही है, वहां से विदाई हो गई, घर में आ रही है, घर में सेलिब्रेशन हो रही है, किसी ने वेलकम किया, दिए जलाए, या व्हाटएवर जो करे, वो सब की आप फोटोज कम से कम 10-50 उसकी फोटोज लेनी है आपको। उसके बाद फिर जो भी सेरेमनीज होती हैं घर में, छोटी बहुत होगी कि भाई आप ये भी शो करते थे अगले दिन, जैसे विच आई डोंट नो दे स्टिल डू इट नॉट, कि वो लड़की पहले वो किचन में जाएगी, चौका बर्तन पहले कुछ बनाएगी, डिश बनाएगी, कुछ कराएगी, इन सब की आपके ये जोर हमारा इस पे है कि लड़की इज नाउ कनेक्टेड विद द ससुराल, उसके हिसाब से उनकी वो चल रही है, सब वो चल रहा है, और घर घर वालों के साथ उनके उनका कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंस है, वो सब शो कर रहा है, ठीक है। अगली स्टेज पे आ गए, उसके बाद अब हनीमून जरूर जाएं। हनीमून अगर जो लोग हनीमून बारे में सोचते हैं कि नहीं जाएं क्या करें, वो कहीं ना कहीं लोचा खा जाते हैं इसमें कोई ना कोई, वो कई बार वीजा ऑफिसर सोचते हैं यार इतनी बड़ी बात है, अब हनीमून एक दिन के लिए भी नहीं गए, दो दिन के लिए गए, क्या वजह हो गई, कोविड हो सकता है, कुछ बात हो, लेकिन आप जब आप हनीमून जाए कहीं, चाहे छोटी जगह चले जाए, चाहे पास यू नो यू डोंट हैव टू गो टू सिंगापुर और मलेशिया, आप वहीं पर आसपास जाएं, हनीमून की जो टिकटें बुक करते हैं उसकी कॉपी चाहिए, हनीमून के जो होटल बुक करते हैं उसकी आपको रिजर्वेशन चाहिए, हनीमून में आप जाते हैं वहां पर दो तीन दिन चार दिन 500 फोटोग्राफ वहां खींचनी है, ठीक है सर। मेरे को कभी कभी मेरे को दिल दुखता है, लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ हनीमून का रिवाज नहीं है जी, हम तो वहाँ मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, वहां से घूम के आ गए जी हम तो बस। हमने कहा अच्छी बात है, ठीक है, वीजा ऑफिसर को फिर आप कैसे आप इतला दिलाएंगे कि भी आपने कस्टम जो आपने करे हैं, ठीक है आपके पास पैसे नहीं है वो मान सकता हूँ, लेकिन आप अगर छोटे मोटे अगर आप किसी को कोई मत्था टेकने जाते हैं मंदिर, अगर दिल्ली में अगर जाते हैं तो कम से कम उसकी आपने 100-200 फोटो क्यों नहीं खरीदी, मतलब सॉरी खींची की नहीं आपने फोटो, तो वो आपको फोटो लेनी है, हनीमून की फोटोज लेनी है, हनीमून में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, खाना खाने जा रहे हैं, वो कई कह रहे जी उसमें शिमला में घोड़े पे हम सवारी कर रहे हैं, कोई जो वहां से बर्फ के वो गोले मार रहे हैं, व्हाटएवर जो भी कुछ है, यू नीड पुट ऑल द रिसोर्सेज टू टेक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर आप हनीमून के बाद वापस आ गए, तब आप हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, नॉर्मल जिंदगी रह रहे हैं, अभी ये क्या है कि ये तो कनाडा से आएगी और इसको ऐसा ना हो कि ये बोले कि जी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं तो 2 हफ्ते बाद जा रही हूँ कनाडा, ऐसा नहीं है। What I recommend, and this is my recommendation, I have seen hundreds of applications, my recommendation is, yeah, ke husband wife should live together
इन द सेम हाउस एक छत के नीचे उनको एज मैक्सिमम टाइम जितना उनके पास पॉसिबल है रहना चाहिए. स्पाउस वीजा में जो पीआर जो जो स्पाउस वर्क परमिट वाले उसमें है उसमें मैं कहता हूँ मिनिमम 6 महीने तो रहो आप भाई. 6 महीने के बगैर आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी क्या मैरिड लाइफ चल रही है. जैसे आपके केस में जल्दी जाना 3 महीने 4 महीने 6 महीने जितना भी है आपको साथ रहना चाहिए. ये एक गोल्डन रूल है कि जितना टाइम हस्बैंड वाइफ साथ रहेंगे जिसको हम कहते हैं कोहैबिटेशन. आप इसको यू कैन सर्च ऑन गूगल यू कैन फाइंड आउट कोहैबिटेशन मतलब साथ रहना. जी उतना टाइम आपको मिलेगा कि आप और भी डॉक्यूमेंट्स जनरेट कर सकते हो. अब आप शादीशुदा हो गई अब आप गृहस्थ आपकी जिंदगी शुरू हो गई अब हस्बैंड वाइफ जो भी काम कर रहे हैं टिपिकली यू नो उनके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए उनको. जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहिए आफ्टर गेटिंग मैरिड यू नो मैरिड स्पाउस बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए. अगर कोई विच आई डोंट नो जो भी आपकी सोच है इस बारे में अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस एक दूसरे का हो जाए एक दूसरे के नाम बेनिफिशियरी हो जाए डैट इज अ वंडरफुल आइडिया. अगर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाए डैट इज अ एक्सलेंट आइडिया. मैं किसी पे बंदिश नहीं कर रहा हूँ कि आप कराओ अगर जितना होगा जितना ये तो आप जितना इसको गुड़ डाल के मीठा करे जाएंगे और मीठा होगा ठीक है. उसके बाद जितने भी सरकारी जो आपके जो कागज हैं जैसे आधार कार्ड है पैन कार्ड है वोटर कार्ड है राशन कार्ड है फलाना कार्ड है ड्राइवर लाइसेंस है सब पे कहीं ना कहीं एक जॉइंट एड्रेस उनका सेम आएगा. जॉइंट एड्रेस आएगा उनका सेम आएगा या उनके जैसे आधार कार्ड पे उस पर लिखा होगा हस्बैंड ऑफ ये वाइफ ऑफ ये उस पर लिखा होगा. उससे मालूम पड़ता है कि हाँ भाई जितने भी सरकारी जो रजिस्ट्रेशन है उस पर हस्बैंड वाइफ का मैरिटल स्टेटस शो कर रहा है. तो वो आप सारा करें इसको करते जाएं. ये तो डॉक्यूमेंटेशन हो गया. पासपोर्ट पे जो लास्ट पेज पे हस्बैंड वाइफ के नाम जरूर कराएं अगर हो सकता है तो आप ये पता कर लें कि भी वो मतलब जो भी उनका प्रोसीजर है कि ये चाहिए होता है सर चाहिए होता है. अभी इंडिया में क्या चालू हुआ है ये अभी भी हुआ रिसेंटली आई डोंट थिंक लोगों को ज्यादा मालूम होगा इंडिया में बताएं. अगर आपकी शादी हो रखी है और आप स्पाउस के लिए जा रहे हो तो आपका पीसीसी नहीं होगा अगर पासपोर्ट पे आपका स्पाउस का नाम नहीं होगा तो. क्या बात है ये मेरे को पता नहीं था एक्चुअली आई डिड नॉट नो दिस. अच्छा हुआ आपने 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 बताया. टाइम वेस्ट ना हो. हाँ जी सर तो वो वापस भेज देंगे आपको आपको सारी कहानी फिर दोबारा करनी पड़ेगी. ओह अच्छा तो दी मोमेंट यू गेट मैरिड जैसे ही आपके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट आता है द फर्स्ट थिंग इन इंडिया इज आप जाओ सबसे पहले अपने स्पाउस का नाम उसमें शामिल कराओ. This that's is very important. That's a wonderful, wonderful. Thank you very much for contributing to this discussion. बहुत अच्छा अच्छा कि आपने बताया. तो उसमें इसमें सारा अभी जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स आप जहाँ पर हर जगह नाम आता है अगर आप जॉब करते हैं अगर कोई जॉब करता है जैसे अगर इंडिया में जॉब करते हैं तो वहाँ के उनके जो जॉब के जो बेनिफिट्स हैं जैसे वहाँ भी हो सकता है कुछ आपको कुछ बेनिफिट्स देते हो वहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस शो करना है वो भी अपडेट कराओ. जैसे नौकरी में कराते हैं ना कि भाई हाँ आई एम मैरिड नाउ और हो सकता है कि वो कुछ मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हैं कोई और. कई बार आपको कोई जिमनेजियम की मेंबरशिप देते हैं कोई और बेनिफिट देते हैं जिसमें मैरिटल स्टेटस शो करना पड़ता है वहाँ वो कराओ. ड्राइवर लाइसेंस में अगर लिखा है तो वो कराओ. जितने भी आप सोचो कि जितने भी आपकी जिंदगी के इर्द गिर्द आपके जो डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं जहाँ पर भी मैरिटल स्टेटस है वो सारा कराओ. वो सारा करा के आपकी फाइल में लगेगा क्योंकि ये फाइल अल्टीमेटली वीजा ऑफिसर के पास पहुंचेगी. ठीक है यहाँ तक तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन का. उसके बाद अब क्या होना है कि शादी हो गई हस्बैंड वाइफ हैं एक कपल है अब नॉर्मली आप एक्टिविटीज आप करते हो जैसे किसी के घर जाते हो किसी के घर दूसरे घर में कहीं शादी है तो आप जॉइंट एज अ हस्बैंड वाइफ जा रहे हो लड़की का चूड़ा दिख रहा है उसके दिख रहे हैं यू नो यू कैन टेल के बाय शी इज मैरिड तो वो फोटोज आप लेते रहो. किसी के और मान लो आप किसी होटल में चेक इन करते हैं हनीमून हो गया सब हो गया होटल में चेक इन करते हैं तो उसका होटल वाले से जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उससे कहना भाई मेरे को आई नीड अ फोटोकॉपी ऑफ दिस बिल क्योंकि उसमें हस्बैंड वाइफ शो कर रहा है दे आर चेकिंग इन एज हस्बैंड वाइफ. समझ रहे हो मेरी बात. तो उस तरह के हो सकता है. कोई और अगर आप जॉइंट परचेस करते हो जैसे आपने घर के लिए कोई सामान लिया कोई फ्रिज लिया टीवी लिया या यू नो व्हाटएवर जो भी कुछ आपने घर के लिए अपने गृहस्थी के लिए कुछ सामान लिया तो वो आप अकेले मत लो आप एज अ मैरिड कपल लो. जैसे अगर हमने जैसे आप घर में मेरी नई दुल्हन आ गई है अब मेरे को टीवी लेना है फॉर एग्जांपल सो मैं टीवी लेता हूँ जैसे ऑनलाइन लेता हूँ या दुकान से लेता हूँ उनसे कह रहा हूँ भाई मेरे को बिल बनाओ इन द जॉइंट नेम. करेक्ट समझ गया. जॉइंट नेम बिल बनाओ मेरे को तो वो पता लगेगा कि हाँ भाई दे आर कनेक्टेड टुगेदर दे आर कोहैबिटेटिंग टुगेदर. तो इतने सब अगर आप कर लोगे मैं आपको
आश्वासन देता हूं कि वीजा ऑफिसर को कोई डाउट, मतलब डाउट का मतलब आई एम श्योर कि दे विल बी, यू नो, दे विल नॉट पुट अ रेड फ्लैग ऑन योर एप्लीकेशन फॉर श्योर. ये जरूर है कि अगर वो शादी के एक महीने बाद या दो महीने बाद अगर चली गई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि वो इतनी जल्दी क्यों चली गई, क्योंकि अभी तो मेरी शादी हुई है, दो साल से हमारा रोमांस चल रहा है, इतनी जल्दी चली गई प्रॉब्लम. तो आई ऑलवेज रिकमेंड फ्यू मोर मंथ्स, टिपिकली 6 months इज फाइन. दूसरी चीज, एक और बड़ी बात जो मैं करूंगा इफ आई वर द हस्बैंड, के ठीक है शादी हो गई, सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो गए, सब कुछ हो गया, तो जब वो साथ आपके दिल्ली में बैठी है तब आप सारे जो फॉर्म्स भरेंगे, जितने आपके फॉर्म्स चेकलिस्ट में दिए हुए हैं, उस फॉर्म्स में जो भी आपको जो भरने के बाद उसमें ओरिजिनल सिग्नेचर चाहिए सबके. ओके. उस फॉर्म्स में आपको ओरिजिनल सिग्नेचर चाहिए. ओरिजिनल सिग्नेचर क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो कनाडा बैठी है और आप यहाँ बैठे हो तो बैक एंड फोर्थ अगर भेजोगे, कोरियर से भेजोगे, कभी गलती हो जाती है, जस्ट क्रिएट्स अ लिटिल न्यूसेंस. सो शादी हो गई, उनसे हनीमून हो गया, सब हो गया, माँ बाप से कहना भाई जस्ट गिव मी वन और टू डेज, वी हैव टू फिल दिस पेपर वर्क करो. वहीं से एप्लीकेशन आप तैयार कर सकते हो, सारा पैकेज तैयार करके यू कैन मेल द इंटायर पैकेज टू कैनेडा, वो आप वहीं से कोरियर कर सकती है वाइल शी इज स्पेंडिंग फ्यू मोर मंथ्स सिटिंग इन दिल्ली एंड स्पेंडिंग टाइम विद यू, वहीं से कर सकती है. और उसका जो फाइल नंबर करीब करीब मेरे ख्याल है कि आज से 3 से 4 महीने तक आ जाएगा, और शी इज इन द लूप, दैट मींस वी आर इन द लूप. उसके बाद फिर वो ट्रांसफर करेंगे दिल्ली हाई कमीशन, देन वी गो फ्रॉम देयर. आखिरी बात जो मेरे को यहाँ कहनी है कि अगर वो वापस जाती है तो उसकी मर्जी है, अगर इंटरव्यू आता है, अगर विच इन योर केस इट विल लाइकली कम, उस तब एक ऑप्शन है आपके पास कि आप वीजा ऑफिस न्यू दिल्ली हाई कमीशन को आप उनको ईमेल करके बता सकते हो कि मतलब वाइफ बता सकती है कि माय हस्बैंड इज बीइंग एग्जामिन एंड आई वुड लाइक टू बी हियर जस्ट टू सपोर्ट हिम, सो दैट मतलब कि वो भी इंटरव्यू के लिए आ सकती है. ये जरूरी नहीं है कि आपको वो अंदर हाई कमीशन में दाखिल कर दें एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपको बोलेंगे आप बाहर बैठे, आपको कुछ सवाल होगा तो हम पूछ लेंगे. पर इतना ही कहना बहुत बहुत बड़ा एक मेंटल एक बूस्ट है, साइकोलॉजिकल बूस्ट है उनके लिए कि द वाइफ इज देयर टू सपोर्ट द हस्बैंड फॉर द इंटरव्यू. कई बार मेरे को पार्टनर कहते हैं अरे छोड़ो जी क्या करना, मेरे को जॉब से छुट्टी नहीं मिलेगी जी, मेरे को खर्चा हो जाएगा जाने जाने का. मैंने कहा एक तरफ तुम्हारा हस्बैंड है, दूसरी तरफ तुम्हारी जॉब है, खर्चा है, देख लो क्या चाहिए तुम्हें. तो लोग सोचते हैं कि इसके बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी मेरे क्लाइंट्स थे, चाहे स्पाउस वीजा के चाहे पीआर वीजा के, जिन जिन लोगों के सिचुएशन में था कि जो स्पॉन्सर है वो दिल्ली आया या आई, उनके एप्लीकेशंस अप्रूव हो गए, उनके एप्लीकेशन डिनाई नहीं हुए, ये मैं आपको बता देता हूँ. करेक्ट. ठीक है सर, इसमें एक सवाल ये था, जैसे आपने कहा कि जब शादी होगी लोग आएंगे, मौसा मासी जो भी है वो आताई तो फोटो खींचेंगे. अब सर हमारी जो शादी होगी ना उसमें बस मेरे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स होंगे. ओके. वी विल नॉट बी कॉलिंग पीपल. या ये इसमें क्या होता है मैं आपको उसके बारे में बता दूं. इसमें अगर आप ये सो कॉल, इसको आप कहते हैं सो कॉल, हम सिंपल मैरिज कर रहे हैं और इसमें कोई गेस्ट नहीं आते, जो स्पाउस वीजा के जो केसेस हैं, स्पेशली स्पाउस वीजा ओपन वर्क परमिट केसेस में, जो वीजा ऑफिसर्स ने अगर कई बार जब इंटरव्यू लेते हैं तो उन्होंने कई बार ऑब्जेक्शन लगा दिया कि भैया आपके जी यहाँ पर गेस्ट ही नहीं है, पहली मैरिज हो रही है, पंजाबी मैरिज हो रही है, नॉर्थ इंडियन मैरिज हो रही है, इसमें गेस्ट क्यों नहीं है. टिपिकली उन्होंने, और I mean, I have also challenged this as well, but you know, उनकी जो mentality ये है कि भाई पहली wedding हो रही है, 100-150 अगर guest नहीं है तो wedding है क्या, wedding नहीं हो रही, उनको ये लगा है. तो अगर आपके लगता है, आपको लगता है कि guest नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, so you better give them a good explanation कि क्यों नहीं आएंगे. आपको एक explanation letter, एक थोड़ा सा covering letter जिसको हम कहते हैं relationship history, उसमें आप जरूर अलग से समझाएं कि क्या वजह है कि मैंने अपने guest इतने नहीं बुलाए और क्यों नहीं बुलाए, जो भी कुछ है. You better have a convincing answer. सर इसी पॉइंट को लेके अगर मैं ये बोल सकूं, ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन मैं ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहता, एक्सपेंडिचर बढ़ाना नहीं चाहता, आई वांट टू टेक दिस सेविंग टू कनाडा एंड बिकॉज़ आई एम स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी इन अ न्यू कंट्री. अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा घर है वहां पे, सब कुछ है, जैसे ही मैं लैंड करूंगा माई एक्सपेंडिचर विल स्टार्ट एंड वो भी दुगने तरीके से. सो Can I give them this? It is a good way of, you know, good way of.
I have 12 lakhs in my account, but I don't want to invest those 12 lakhs in a marriage ceremony. That's a good idea. And that's I want to take that money to Canada. That's a good economical planning. You know, why waste 10 lakhs on band baje karke dada karke kharab ho gaya. Yehi paisa lekar aap Canada mein koi apna ghar ka deposit leke kuch na kuch aur kar sakte ho. To theek hai, koi baat nahi. You know, they will look at the statement and they will evaluate it against the balance of jitne maine aapko kaha ki 500 photograph 1000 photograph hue hain uske hisab se wo balance karenge ki bhai, you know, typically ki bhai kaise marriage is showing as a genuine marriage or not, and then they will make a decision. Par marriage ke baad jitne bhi documents hain usme agar vajan hai to baki ye baatein choti choti dab jayengi. Samajh gaya. Theek hai, samajh gaya. अच्छा सर, जो आपने चूड़े की बात करी, नाउ आई एम अ गढ़वाली, तो हमारे यहाँ पे चूड़े का रस्म नहीं होती, कोई सगाई का रस्म नहीं होती, हमारे यहाँ रोका होता है और शादी हो जाती है. और ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि लड़की को चूड़ा ही पहनना या उसको कोई व्रत रखना है, तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है गढ़वालियों में. तो अगर मैं ये भी एक्सप्लेन कर पाऊँ कि अगर वो पूछ ले, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, कि आप वो चूड़ा क्यों नहीं पहना, ये सारा कवर लेटर में जो आपका जो रिलेशनशिप हिस्ट्री है ना उसमें उसमें आप रिलेशनशिप हिस्ट्री का मतलब क्या है कि आप अभी से अपनी अपनी प्रेम कहानी अपनी बताने शुरू कर दो, जैसे एक बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज. बिफोर मैरिज आप चालू कर दिया. हाँ, गुड, वेरी गुड. सो जो पहले की हिस्ट्री है, कैसे मिले, कैसे आपकी जो फ्रेंडशिप रोमांस में तब्दील हुई, वो सारा लिखना शुरू कर दो. और मैरिज के बाद क्या क्या इवेंट्स हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, उसके बारे में अभी से लिखना शुरू कर दो. तो उसमें धीरे धीरे आपके उसमें वो डिटेल्स आती जाएंगी. तो उसमें आप सीधे से लिख दो कि हमारे यहाँ पर ये नहीं पहनते, हमारे वो नहीं पहनते. इट्स नॉट अ कंपल्शन कि हर एक इंसान वैसा पहने. सो दैट्स फाइन. अच्छा सर, अगर स्पाउस वीजा हम इंडिया से लगाते हैं तो प्रोसीजर सारा सेम रहता है या उसमें कुछ अलग होता है? जो फैमिली स्पॉन्सरशिप है ना थ्रू मैरिज, जो हम बात कर रहे हैं अभी तक, इसमें जो एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यूनिफॉर्म. एप्लीकेशन पहले कनाडा जाएगी, केस प्रोसेसिंग सेंटर बने हैं हमारे, बड़े बड़े यहाँ पर बने हैं, तो वहाँ पर जो एप्लीकेशन पहले जाएगी, वहाँ पर जो क्लर्क बैठे हैं, जो ऑफिसर बैठे हैं, पहले आपकी एप्लीकेशन चेक करेंगे, स्पॉन्सर की इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, फिर हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, देखेंगे सारे फॉर्म्स भरे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट लगे हैं, फलाना लगे, जो जो एक चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट का नंबर है 5533, आप यू कैन चेक ऑन द गूगल, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी. सो एनीबडी कैन चेक दिस रिक्वायरमेंट. उसमें जब चेकलिस्ट की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, उसके बाद फिर वो अगर वो देखते हैं कि ऑल द यू नो इट्स कॉल्ड ऑल द आईज आर डॉटेड एंड टीज आर क्रॉस्ड, उसके बाद वो कहेंगे कि एप्लीकेशन इज कंप्लीट, फीस इज कंप्लीट, एंड देन दे विल इशू द फाइल नंबर फ्रॉम देयर फ्रॉम कनाडा. और जो स्पॉन्सर ने जो अपना जो लड़की ने जो अपना जो एड्रेस दिया था वैंकूवर का, जहाँ पर, एक लेटर वहाँ भेज देंगे. और अगर आपने ईमेल से उसमें लिखा है कि ईमेल से कम्युनिकेट करो, तो ईमेल से भी आपको भेज देंगे कि ये आपकी फाइल नंबर इशू हो गया. सो इवेंचुअली इट डज नॉट मैटर कि आप एप्लीकेशन कोरियर से पहले दिल्ली से भेजो या अफगानिस्तान से भेजो या बांग्लादेश से भेजो, अल्टीमेटली इट हैज टू गो फ्रॉम कनाडा एंड देन कम बैक टू द हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली. करेक्ट. अच्छा सर, अब इसमें मैं आता हूँ विजिट वीजा पे. अब मुझे ये भी पता है कि विजिट वीजा, और मैंने आपके भी बहुत सारे इंटरव्यूज देखे कि AI लग चुका है बहुत सारे जगहों पे, जो वो अपने तरीके से स्कैन कर रहा है और वीजा रिफ्यूज हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, भगवान जाने क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता. तो सर एग्जाम्पल, जैसे उसने वहां पे स्पाउस स्पॉन्सर डाल दिया, आफ्टर वन मंथ कैन आई अप्लाई फॉर अ विजिट वीजा कि देखो भाई मैंने अपना स्पाउस का डाल रखा है एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड हेल्प हर इन कैनेडा. आपके क्वेश्चंस विपिन आपके क्वेश्चंस इतने अच्छे हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है आपके क्वेश्चंस का आंसर देने में. और आपने AI के बारे में पढ़ रखा है, इसके बारे में मैंने वीडियो से बनाई थी कि जो न्यू दिल्ली हाई कमीशन और कुछ हाई कमीशन बताते नहीं कहां कहां पर, जहां पर वॉल्यूम ज्यादा है वहां पर उन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लगा रखा है. करेक्ट. सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जाती है विजिटर वीजा की, वो कोई इंसान नहीं दिखता, वो कंप्यूटर चेक करते हैं. जैसे आपको याद होगा, पता नहीं आपने शायद आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जब आप रेज्यूमे डालते हो तो वो रेज्यूमे कोई इंसान नहीं दिखता, वो उनके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फिल्टर कर लेता है कि उसके पास वो कीवर्ड्स हैं कि नहीं है. ओके. बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े मल्टीनेशनल में, जहां पर बहुत सारे लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां कोई आदमी नहीं बैठा है वहां पर कि हर एक रेज्यूमे देख रहा है, वो एक सॉफ्टवेयर से वो फिल्टर कर लेते हैं कि इसके पास ये चीज है तो यस, नहीं है तो नो, डिलीट. तो वैसे ही यहाँ पर AI लगी हुई है कैनेडियन हाई कमीशन में,
और वो टूरिस्ट वीज़ा को जब देखते हैं तो वहाँ से वो फिल्टर कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जब एप्लीकेशन आपकी स्पाउस वीज़ा की ऑलरेडी पेंडिंग है और एप्लीकेशन नंबर इश्यू हो गया है, तो एज सून एज पॉसिबल वो इंफॉर्मेशन आपके फाइल में एक क्लाइंट आईडी नंबर क्रिएट होके आपके जो इमिग्रेशन सिस्टम है, इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली हाई कमीशन में, ऑल ओवर कैनेडा ऑल्सो, वहाँ पर आपकी एक फाइल जनरेट हो जाएगी, आपके नाम की एक आईडी क्रिएट हो जाएगी और उसमें आ जाएगा कि भाई यू आर अ पेंडिंग एप्लीकेंट फॉर पीआर। करेक्ट। उसके बाद जब आपकी विजिटर वीजा की एप्लीकेशन आएगी तो वहां से उसको एक क्लैश हो जाएगा, बोलेगा ये तो इंसान पहला पीआर के लिए जा रहा है और अभी इसको विजिटर वीजा करना है, तो अब हमें नहीं पता कि ये वापस आएगा भी नहीं आएगा, ये थोड़ा सा एक क्लैश हो जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हर एक इंसान का विजिट वीजा डिक्लाइन होगा। मेरे पास खुद ऐसे लाइव एग्जांपल्स हैं अभी अल्बर्टा में, जहां पर एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि एक साउथ इंडियन वो थे कपल और उनकी शादी हुई थी, ये आज से करीब 8-9 साल पहले की बात है, मतलब एआई की बात की नहीं है। तो वहां पर वो शादी करने गए, हैदराबाद में या बेंगलोर में शादी हुई थी और उसके बाद वो दिल्ली वगैरह यहाँ पर हनीमून के लिए आ गए, एंड दैट गाय वाज अ पीआर इन अल्बर्टा, और उसके बाद हनीमून वगैरह करके उन्होंने 5-6 दिन के बाद आई थिंक दे वर इन दिल्ली, उनके मन में पता नहीं क्या आया, उसने कहा कि मतलब हस्बैंड ने वाइफ को कहा कि हम तो दिल्ली आए हुए हैं, लेट अस ट्राई फॉर द विजिटर वीजा। शादी हो चुकी है लेकिन दे डिड नॉट फाइल द पीआर एप्लीकेशन येट, दैट्स अ बिग डिफरेंस। शादी हो चुकी है और उसके बाद उन्होंने कहा, उसने लिखा विजिटर, उसने कहा कि माय वाइफ विजिटर वीजा में उसका माय वाइफ एंड माय हस्बैंड इज इन कनाडा, शी इज अ पीआर, और उनको वीजा मिल गया। ये 8-9 साल पहले की बात है और वो और जब वो यहाँ पर आए, यहाँ पर वाइफ भी आ गई, उसने मेरे को कॉल किया तो मैं पहले थोड़ा सा मैं सकते में आ गया, मैं कहा तू अभी शादी करी है तुमने 2 हफ्ते पहले 1 महीने पहले और तेरी वाइफ यहाँ कैसे आ गई, जबकि वाइफ के पास हैड नो जॉब नथिंग नो रिसोर्सेस नो ट्रैवल हिस्ट्री नथिंग, बट फिर भी तो कभी कभी कई बार करिश्मा हो जाता है पर इट विल नॉट हैपन टू मैनी मैनी अदर पीपल। सो उसकी मैं आपको वो नहीं था। हाँ, अगर आपको विजिटर वीजा चाहिए है, अगर विजिटर वीजा अगर आपको अगर नॉर्मली इशू होता है तो इट कुड बी फॉर 5 years 10 years यू नो दैट टाइम, अगर आपको विजिटर वीजा चाहिए है तो आप विजिटर वीजा अपनी शादी से पहले ही ट्राई करके आप देख लें, अगर आपको मिल जाता है तो डैट इज यू नो एक्सलेंट आइडिया। अगर आपको किसी बेस पे मिलता है, अगर किसी बेस पे अगर आपको जैसे आप ये चीज मैं भी सोच रहा था कि मुझे एक बार रिस्क ले लेना चाहिए, बल्कि मुझे पता है कि डिक्लाइन का रेशियो बहुत तगड़ा है दिल्ली में, लेकिन मुझे अभी तो आप विजिटर वीजा आप करें ना, अभी आजकल तो कोरोना वायरस चल रहा है ना, अभी तो विजिटर वीजा आप तब करें कि जब ये कोरोना वायरस वगैरह थोड़ा ठंडा पड़ जाए और यू नो नेक्स्ट ईयर और सो बिफोर यू नो बिफोर योर मैरिज, सो यू नीड टू हैव अ वेरी सॉलिड रीजन टू ट्रैवल टू वैनकूवर, आई मीन टू एनीवेयर इन कनाडा, कि आप क्यों जा रहे हो, आप क्या करते हो, यहाँ पर योगा करते हो, वहाँ पर कोई योगा वाले आपको बुला रहे हैं, व्हाटएवर, आई एम जस्ट गिविंग अ सिनेरियो, कि वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ से कितने दिन पर आओगे, क्या आपके खर्चे हैं, क्या आपकी टाइज टू न्यू दिल्ली हैं, ये सब करके अगर आपको इस तरह का अगर कोई अगर बनता है सिनेरियो तो आप अप्लाई कर लें, और अगर आपको देना है तो आपको मिनिमम यू नो टिपिकली दे विल गिव यू फॉर 5 to 10 years, और नहीं देना है तो नहीं देना है, एंड दैट्स इट, यू जस्ट सिट डाउन। क्योंकि सर मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी जब आप पीआर करोगे तब आपको लिखना पड़ेगा कि यू वर डिनाइड अ विजिटर वीजा। हाँ करेक्ट, क्योंकि सर मैंने आपकी वीडियो देखी है कि जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं 2 बार यूके होके आ गया हूँ, अभी भी दिसंबर में दोबारा जाऊंगा, तो आपने बोला है कि जरूरी नहीं है कि किसी की ट्रैवल हिस्ट्री अच्छा हो या किसी का सब कुछ ही बढ़िया हो, एक इंटेंशन बहुत मैटर करती है कि आप किस वजह से जाना चाहते हैं, वो उसमें Absolutely. So, अगर यूके का आपका वीजा लगा हुआ है और अभी भी चल रहा है और हिस्ट्री अच्छी है आपकी, जाके आ सके हो, तो ये प्लस पॉइंट है आपकी हिस्ट्री में, तो वो जब आप विजिटर वीजा दोबारा मिला सर, परसों ही मिला मेरे को। अच्छा, परसों फिर मिला, दैट्स वन। क्या करने के जा रहे हो वहाँ पर, क्या करते हो वहाँ पर? सर मैं बेसिकली अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो बेसिकली आई एम अ मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट, तो मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट सर दूसरे न्यूट्रिशन से अलग होता है, एक तो जो डाइट काउंसिल करते हैं, बट आई डू आई फिक्स पीपल डायबिटीज, हाई बीपी, कैंसर, ट्यूमर, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज होती है ना, बिना दवाई दिए आई फिक्स दोज थिंग्स। तो मैं पिछली बार गया था यूके पिलाटेस कोर्स करने के लिए,
अच्छा सो आई कीप डूइंग थिंग्स आई आल्सो गो टू दुबई मैं वहां से भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस करता हूं फिटनेस एंड हेल्थ में कितने महीने का कोर्स है गुड कितने महीने का कोर्स है वो सर वो था 15 दिन का अच्छा तो ऐसे कोई कोर्स देख लो वैंकूवर में जरूर कोई वैंकूवर टोरंटो में ऐसे कोई कोर्स 15 दिन का या एक 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 महीने का ऐसा कोई कोर्स देख लो इस तरह का कोई कोर्स या हो सकता है कोई एग्जीबिशन एक्सपोजर या कुछ ऐसा कुछ जैसा होता है ना ट्रेड ट्रेड शो लगा हुआ है इस तरह का वो देख लो तो लगता है हर साल लगता है दैट्स अ एक्सीलेंट आईडिया तो आपको मिल जाएगा आपके होटल वाला कैनफिट प्रो अच्छा अच्छा ठीक है तो वो आप देख लो अगर आपको इन द नेक्स्ट जनवरी के बाद ही देखना अभी तो जनवरी से पहले नहीं जनवरी बिटवीन जनवरी एंड जुलाई अगर ऐसा कुछ लगता है तो श्योर व्हाई नॉट और उसमें जब आप विजिट वीजा डालोगे तो अपनी यूके वीजा की जो फोटोकॉपीज और यूके की जो आइटनरी थी यूके में जो आपने कोर्स किया है वो सब अपना एक सीवी बायोडाटा बना के उसमें रखना कि दिस इज व्हाट यू डू एंड यू ट्रैवल इंटरनेशनली आई थिंक यू हैव अ रीजनेबली गुड चांस ऑफ गेटिंग द कनाडा वीजा आल्सो फिर तो बात ही फिर तो विपिन जी बात कुछ और हो जाएगी फिर मैं आपको अभी आपने चल चलो ये आपने बाद में विजिट वीजा का निकाला क्वेश्चन अगर आपको विजिट वीजा मिलता है ठीक है और अगर आपको विजिट वीजा लेट्स से कि एक साल तक का रीजनेबली मिलता है मोर और लेस अगर आपकी वाइफ ऑलरेडी पहुंची हुई है अप्रैल मई में वहां पर पीआर लेकर बैठी हुई है और यू नो शी इज वर्किंग ऑन समथिंग फिर तो आपको यहाँ पर दिल्ली में मैरिज करने की जरूरत ही नहीं है करेक्ट फिर तो खेल ही दूसरा हो जाएगा फिर तो ये है कि आप एक बार जाओ कनाडा जाओ एक दो बार अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ एक बार जाके वापस आओ ऐसा नहीं कि वहीं जम गए एक बार जाओ वापस आओ फिर जाओ दो बार मतलब आई वुड से एटलीस्ट वन और टू टाइम्स उसके बाद फिर जब आपका अच्छा आपको लगता है कि हाँ यू नो यू आर रीजनेबली यू नाउ एस्टैब्लिश इन योर ट्रैवल हिस्ट्री उसके बाद यू कैन गो इन मे बी जुलाई और यू नो व्हाटएवर जुलाई अगस्त जब अच्छा मौसम होता है थोड़ा सा समर का और उस फिर आपको चाहे आप अकेले जाओ चाहे अपने माँ बाप के साथ जाओ आपकी शादी कनाडा में हो जाएगी और कनाडा में शादी जो है वो तो इतनी महंगा होना ही नहीं है जितना दिल्ली में खर्चा होना है आप तो सिंपल जाके एक मैरिज कमिश्नर कहते हैं हम इसको यहाँ पर उसको दे आर ऑथराइज्ड टू डू मैरिज इट्स लाइक अ कोर्ट मैरिज एंड मुश्किल से $1,000 भी नहीं लगने आपको यू विल बिकम हस्बैंड एंड वाइफ राइट ऑन विद इन फ्यू आवर्स जब आपकी शादी हो गई व्हेन यू गेट अ मैरिज सर्टिफिकेट फ्रॉम दैट प्रोविंस लाइक ब्रिटिश कोलंबिया you can she can file the sponsorship within canada so delhi nahi jayega fir wo within canada hoega aur uske do aur fayde hain ki aapka jo visit visa hai wo convert ho jayega work permit mein okay it takes 4 months though of course it's not like one day it takes 4 months par aapka jo visit visa hai wo convert ho jayega open work permit mein based on your pending application aur dusra fayda ye hai कि जो आपका जो प्रोसेसिंग होगा जो प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन यू विल नेवर सी अ वीजा ऑफिसर इन न्यू दिल्ली सो आई मीन आई डोंट वांट टू से दिस नाउ बट द वीजा ऑफिसर्स ओवरसीज जो न्यू दिल्ली में और दूसरे कंट्री में दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट ऑफ लुकिंग एट एप्लीकेशन देन द इमिग्रेशन ऑफिसर्स सिटिंग इन कनाडा सो दे हैव अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबल सो इट्स एंड द तीसरा फायदा ये है कि यू आर लिविंग विद योर वाइफ आई मीन दैट्स मेन यही है और यही रीजन है सर कि मैंने दुबई जाके भी कोर्स किया है मैंने एक कोर्स किया है मतलब वो इंडिया में किया बट वो ऑस्ट्रेलिया का सर्टिफिकेट है मेरे पास बट आई हैव पेड इन डॉलर्स तो मैंने इसीलिए सब चीजें करी है कि विजिट में चले जाऊं वहां पहुंच जाऊं एंड देन वी कैन प्रोसेस फर्दर अच्छी बात सर जी विपिन जी आप पहुंचे हुए खिलाड़ी हो आप एक्सपर्ट हो आपको बाप ने और मेरे को खुशी ये बात है कि आप जिस चीज में हाथ डालने से पहले आप उस चीज की पहले नॉलेज लेते हो इन्फॉर्मेशन लेते हो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि कोई गलती ना हो जाए और जिंदगी में आप कामयाबी ऐसे लोगे दूसरे एरिया में भी तो ये करके देख लो अगर आपको विजिट उसको जाने दो एक्सप्रेस एंट्री में और आपको लगता है कि ऐसा कोई विजिट वीजा का अगर कोई ऐसा कोई बनता है सिनेरियो बनता है और मिल जाता है तो ये दिल्ली का चक्कर मंदिर मंदिर का चक्कर ये सब इधरों का चक्कर वो सब खेल ही खत्म हो जाएगा क्योंकि सर जैसे मैंने आपको बताया कि वहां की कंपनी का नाम है कैनफिट प्रो तो वो साल में एक दो बार कुछ ना कुछ कॉन्वोकेशन या कुछ ना कुछ करते हैं वो तो मुझे पहले वहां पेमेंट करके विजिट वीजा अप्लाई करना चाहिए या मुझे उसका स्नैपशॉट खींच के उनको बताना पड़ेगा लेटर में कि मैं इस चीज के लिए जाना चाहता हूँ नहीं अगर आपको उस चीज को अटेंड करने जाना है फिर तो आपको उनका रजिस्ट्रेशन करके उनका वो करके आपको फीस वगैरह देकर उनका वो इनविटेशन लेना पड़ेगा मतलब यू शुड
The visa officers in New Delhi must have a confirmed, they must see a confirmed itinerary and plan कि आप ये करने जा रहे हो, इतने का इतने दिन का है, ये करने के बाद वापस आओगे. They must see this. ये ऐसा नहीं है कि हम इसमें जाएंगे तो आप वीजा दोगे नहीं दोगे, ऐसा नहीं है. मतलब you must have a confirmed कि भाई ये हम करेंगे, वाकई करेंगे और पैसे पूरा एक बिल है कि हाँ पेमेंट हो चुकी है एंड ही वांट्स टू गो टू दिस प्लेस. फिर आप ईमेल फ्रॉम देयर है. फिर आपको रहने की जगह भी चाहिए, आपको एक दो हफ्ते के लिए रहने की जगह, आपको एयरबीएनबी है जो भी कोई होटल में कहीं, आपको रहने की जगह चाहिए, आपको वो जो 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 अटेंड करोगे उसका वो प्रूफ चाहिए. फिर आपको तीसरा आपको फंड्स चाहिए दिल्ली के, आपके पास टोटल फंड्स हैं कितने, एक महीने के लिए जा रहे हो कितना खर्चा लगेगा, यू नो वेयर इज योर बैंक स्टेटमेंट, हाउ मच मनी यू हैव, यू हैव अ क्रेडिट कार्ड लाइक यू नो जिसको कहते हैं ट्रैवलर्स चेक्स वगैरह, ये सब कुछ है कि नहीं है. सो दे हैव टू साइज यू अप के भी हाँ कि क्या है, और दिल्ली में आपकी इनकम क्या है, दिल्ली की जो दिल्ली में जो ITR कितना है आपका, जो दिल्ली की बैंक स्टेटमेंट में कितना है, पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है. सो दे हैव टू लुक एट द होल पिक्चर एंड दिस इज इनिशियली स्क्रूटनाइज बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपने कहा AI, और उसके बाद अगर आपका केस अगर फ्लैग हो गया सो सम वीजा ऑफिसर एक्चुअली विल लुक एट इट एंड देन दे विल डिसाइड. बट इट्स अ गुड आई थिंक यू शुड गिव इट अ शॉट. आई हैव अ गुड फीलिंग इन माय हार्ट दैट यू विल बी सक्सेसफुल. The feeling, मेरे में भी गट फीलिंग है लेकिन एक एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट ही होते हैं. या अच्छा सर, नहीं आई थिंक क्योंकि आई कैन सी इफ यू हैव डन द सिमिलर ट्रिप्स टू यूके फॉर द सिमिलर प्रोग्राम देन यू नो इट एस्टैब्लिशेस अ पैटर्न दैट दिस पर्सन विल रेप्लिकेट द एक्सपीरियंस इन डिफरेंट कंट्रीज एज वेल. सो व्हाई नॉट. सो दैट इज व्हाई यू नो दे ऑलवेज लुक एट द ट्रैवल हिस्ट्री एंड दीज कंट्रीज लाइक यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यू नो दीज कंट्रीज आर कनेक्टेड वाया the immigration databases to Canada. So Canadian jo visa officer hai wo agar aapne agar UK ka visa aapne attach karke diya unhe aapke passport ke sath ki main UK ja chuka hu to they can immediately check kar sakte hain ki bhi UK mein aapki immigration history mein koi problem to nahi hai. Ji yeah, correct sir, correct. Acha sir, jo name change ki baat hai, so we were thinking ki uska jo naam hai actual naam wahi rakhenge, main apna last naam add nahi karunga. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे नाम चेंज करो या ना करो, आजकल की दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने हस्बैंड का नाम लिया, वाइफ का नाम लिया, इट हैज नो इफेक्ट ऑन दिस एप्लीकेशन. लेकिन बस पासपोर्ट में स्पाउस डाल दें तो वो वेल इनफ एक चीज हो जाती है. सही, ठीक है. अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि अब ये तो हमने बात करी कि उसके जाने के बाद या विजिट हो गया, व्हाट इफ आई गेट मैरिड बिफोर शी गेट्स अ PR. ओके, लेकिन उसमें वो लिखी कि आई एम नॉट अकंपनिंग. हाँ तो ठीक है, अगर वो नॉन अकंपनिंग करेगी तो उसका उसके पॉइंट्स उतने ही रहेंगे. जी जी जी, उसके पॉइंट्स उतने ही रहेंगे और उसको PR मिल जाएगी. उसको फिर स्पॉन्सर तो फिर करना पड़ेगा बाद में जाके, जो हमने अभी जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया था. तो नॉन अकंपनिंग का प्रॉब्लम एक और है. नॉन कंपनी, मैं आपको प्रॉब्लम थोड़ा बता दूं. नॉन कंपनी का प्रॉब्लम मेरे को इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि उसमें इन फ्यूचर जब आपकी PR एप्लीकेशन लगेगी तो उसमें थोड़े से नए नए कुछ एंगल निकल के आएंगे कि भाई उस टाइम आपने नॉन अकंपनिंग क्यों लिखा, क्या आप में कुछ अनबन थी, क्या आप में कुछ अनबन थी. या कई बार होता है जी, ये सरकारी जॉब कर सकता है. मेरे पास एक केस था जहां पर वो बंदा था, वो IAS ऑफिसर है, अलाइड ऐसी कोई गवर्नमेंट की जॉब कर दी, वो कहते मेरे को जॉब छोड़नी नहीं, आप जाओ अकेले. तो ये वो दैट इज अ वैलिड रीजन कि हमें नहीं जाना. तो उसमें क्या रीजन है वो थोड़ा सा निकल के आपके जो PR की एप्लीकेशन, जो फैमिली स्पॉन्सरशिप करोगे उसमें बात आ जाएगी. अगर उन्हें लगेगा कि भाई मैरिज के जो रिलेशनशिप में कोई तकरार नहीं आई, कोई इसमें कोई दरार नहीं आई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जी जी. और सर, हमें बर्थ सर्टिफिकेट पे नोटराइज कराना पड़ता है? मैंने आज तक नहीं कराया, मैंने किसी ने पूछा नहीं. बर्थ सर्टिफिकेट को नोटराइज्ड मेरे ख्याल जरूरत नहीं है. बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास अगर ओरिजिनल है, जैसे कि वो जो हिंदी में और इंग्लिश में है, और वो उसको आप अपलोड करते हैं, सो दैट इज ऑल इट इज. देयर इज नो नीडेड ऑफ यू नो अटेस्टेशन और एनी नोटरी एट ऑल. ओके ओके. अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी है किसी के पास, अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी है तो 12वीं का जो CBSE ICSE जो बोर्ड का होता है वो भी चल जाता है. जी ठीक है सर, समझ गया था. ऑलराइट,
ठीक है सर, मेरे तो सर इतने ही सवाल थे जो मोटा मोटा मुझे समझना था कि या तो मैं पहला एक बार जाके कनाडा वापस आ जाऊं फिर दोबारा चले जाऊं तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो जाता है। बाकी मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूँ कि व्हाट ऑल थिंग्स आई नीड टू डू राइट नाउ, कि अगर मेरे को विजिट पॉइंट ऑफ व्यू देखना है तो मैं वैसे काम करूँ और अगर बाद में देखना है तो मैं उस हिसाब से काम करूँ। लेकिन जो सर आप बेस्ट आप ये कह रहे हैं कि बेस्ट ये है कि इफ आई गेट विजिट वो सिंगल वहां पे चली जाती है, मैं सिंगल वहां चला जाता हूँ वहां पे कोर्ट मैरिज करके एंड देन वी अप्लाई। दैट्स राइट। सो दो दो बातें थोड़ा इसको हम अलग अलग कर दें। इसको जो आज का जो निचोड़ है, इसका डिस्कशन का निचोड़ ये है कि मैरिज आप कहीं भी करें, चाहे दिल्ली में करें चाहे कनाडा में करें, लेकिन जो जी मैरिज प्रूफ है ना, जो आपका जो जो हमने बातें करी हैं, फोटोग्राफ्स वो सब और ये करेक्ट सब जो बिल्स करेक्ट वगैरह सब है, जो मैरिज प्रूफ है वो तो फिर भी लगेगा आपको। इंडिया का करेक्ट मैरिज प्रूफ कुछ और है, कनाडा में जो आप मैरिज करते हैं उसका प्रूफ और है। तो कनाडा में थोड़ा ये फायदा जरूर होगा क्योंकि यू आर लिविंग टुगेदर नाउ, यू आर कोहैबिटेटिंग टुगेदर। जी तो लेकिन शादी आप कहीं भी करें, मैरिज प्रूफ को अपना मेंटेन करना है। रिलेशनशिप हिस्ट्री कैसे हुआ, चैट हिस्ट्री, फोटोग्राफ, वो तो आपको मेंटेन करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ मैरिज कहीं भी होती है। अगर आपको विजिट वीजा मिल जाता है तो उसके अलग फायदे हैं। उसका ट्रैक, जैसे आप ट्रेन पे चल रहे हैं, ट्रेन का ट्रैक इधर हो जाता है तो कहीं यहाँ डायरेक्शन यहाँ मेरठ का है, वहां पर अमृतसर का है, करेक्ट तो ट्रैक चेंज हो जाएगा। सो करेक्ट विजिट वीजा मिल जाता है, ट्रैक इज डिफरेंट, दैट इज फाइन। अगर विजिट वीजा नहीं मिलता है, देन यू फॉलो द सेम 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 फॉर्मेट दैट वी डिस्कस सो फार। आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, और बाकी तो सर ऐसे कोई क्वेश्चन सब बचे नहीं है, यही मेरा मेन कंफ्यूजन थी जो आज पूरी क्लियर ही हो गई है। बाकी सर आई जस्ट वॉन्ट टू नो इफ आई वॉन्ट योर हेल्प, योर कंपनी हेल्प इन पीआर एंड विजिट एंड एवरीथिंग, तो वो कैसे होगा, वो कैसे उसके करेंगे? उसके बारे में मैं अपनी पॉलिसी बता देता हूँ। अच्छा, आपने सवाल पूछ लिया। पहली बात यह है कि मेरा हमेशा से एक फिलॉसफी रही है, मेरा हमेशा से एक अप्रोच रहा है कि हर एक इंसान को अपनी एप्लीकेशन अपने आप करनी चाहिए। जी उसकी उसकी दो वजह पहले बता दूँ, फिर देन आई मूव फॉरवर्ड। एक तो यह है कि जो एप्लीकेशन आपको खुद पता है, आपका रोमांस हिस्ट्री है, आपकी कोहैबिटेशन हिस्ट्री है, आपकी मैरिड लाइफ है, यू नो दैट बेस्ट। अगर आप किसी जी लॉयर को बताओगे और उसको करोगे, एंड दैट पर्सन लीगल असिस्टेंट विल टाइप इन्फॉर्मेशन, दैट विल नॉट कम एज द सेम थिंग एज यू आर राइटिंग, यू आर पुटिंग योर ओन इमोशंस। दैट इज वन राइट वन वन बिग रीजन। नंबर टू रीजन इज इट इज वेरी लाइकली दैट के देर मे बी सम टाइपिंग एरर्स और डेटा एंट्री एरर्स इन सम एप्लीकेशन। यू विल नॉट बिलीव, एक्चुअली आई हैव सीन सो मेनी एप्लीकेशंस वेयर लॉयर्स हैव डन द एप्लीकेशन एंड नोइंगली और अनोइंगली दे हैव मेड सम एरर्स इन स्पेलिंग मिस्टेक और डेट ऑफ बर्थ एंट्रीज, और यू नो कहीं पर कुछ लिखना, कहीं पर कुछ हो गया गलती से, मतलब नॉट इंटेंशनली गलती से हो गया, जी और अल्टीमेटली जी दे इट विल बैकफायर बिकॉज द एप्लीकेंट इज साइनिंग। सो नंबर वन रीजन इज के आई वॉन्ट पीपल टू पुट द ओन इमोशन इन टू द हिस्ट्री एंड द फैक्ट्स देमसेल्व्स। दैट्स नंबर वन रीजन। नंबर टू, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर ओन एप्लीकेशन, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। करेक्ट करेक्ट नंबर थ्री, many lawyers and consultants, when you hire them, of course it is a business. राइट You know, typically when you give money to somebody, we are very aggressive कि हाँ जी पैसे दे दो, ठीक है हो गया। लेकिन अगर ये एप्लीकेशन चलनी है 6 महीने 12 महीने, आप मान के चलो कि हमारी कस्टमर सर्विस उतनी लेवल नहीं रह सकती जो पहले दिन थी। दैट मीन्स कि अगर आप बार करेक्ट बार कॉल करोगे, हर हफ्ते कॉल करोगे, जी क्या हुआ कैसे हुआ, एक ना एक दिन लॉयर कंसल्टेंट कहते कि मैं थक गया जी, मेरे को कॉल मत करो, जो होगा मैं आपको बता दूंगा। तो टिपिकली ऐसा है कि होता है 90%, बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा होता है, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी, ऐसा होता है जी कस्टमर सर्विस का करेक्ट वो जगह, या हो सकता है कि लॉयर कंसल्टेंट अवेलेबल ही ना हो, वो कहते हैं जी यू नो बस लीव अ मैसेज इन अ वॉइस मेल और आवर लीगल असिस्टेंट विल गेट बैक टू यू समथिंग। एंड चौथा रीजन एक और भी है, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद करे, वो उनके नीचे वो छोटे छोटे असिस्टेंट रखे होते हैं, उन्होंने राइट काम वो कर रहे हैं लेकिन कंसल्टेंट साहब ने लॉयर साहब ने साइन करके करना है। सो मान के चलो कि काम काम कंसल्टेंट साहब खुद नहीं कर रहे हैं। ये चार रीजन करके मैं हमेशा एक लोगों को एक प्रोत्साहन देता हूं, उनको एनकरेज करता हूं कि भाई केस आप सोचो कि अपने आपको अपने आप करना है, लेकिन आपको जो नॉलेज है जो आज आप कर रहे हो, नॉलेज आप लो पहले, उसकी नॉलेज करेक्ट लो, किसी से पूछो, किसी भी लॉयर को जो भी आपको पसंद है उससे बोलो कि ठीक है मेरे को 1 घंटे आप 2 घंटे टाइम चाहिए, मैं आपके जितने सारे सवाल हैं होमवर्क है करके आई विल डू इट माई सेल्फ। एक तो ये है। करेक्ट दूसरा दूसरा तरीका एक और भी है, जब आपकी एप्लीकेशन पैकेज एक पूरा तैयार हो गया
और सबमिट करने से पहले आप किसी को दिखा लो, जैसे लॉयर, उसी लॉयर को या किसी और को दिखाना दिखा लो, तो आपको एक डबल चेकिंग हो जाएगी, एक तो पहले पूछ लिया और दूसरी बात जब बना है फाइनल, फाइनल करने से पहले फिर आपने एक निगाह मार लेगा कि कोई गलती तो नहीं है। आई थिंक आई पर्सनली फील दिस इज द बेस्ट अप्रोच ऑफ टैकलिंग दिस, दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, बिकॉज इससे आपको यू आर इन कंट्रोल, आपको नॉलेज भी हो रही है और पैसे भी बच रहे हैं। अभी आप किसी भी लॉयर कंसल्टेंट को अगर आप कनाडा में कॉल करते हो स्पाउस वीज़ा के लिए, डिपेंडिंग कई उसकी कितनी बड़ी दुकान है, जो गोरे लॉयर्स हैं कुछ और है, जो इंडियंस हैं और पंजाबी, यू नो अदर, डिपेंडिंग ऑन कि किस मार्केट में है, कैसे उनका अप्रोच है, कितना खर्चा है उनका, इसकी जो कॉस्ट है कुड बी एनीवेयर फ्रॉम $3,000 to $7,000, मतलब द कैनेडियन $3,000 कितने बने आपके, डेढ़ लाख से लेकर इसका मतलब यू आर लुकिंग एट करीब करीब 3.5 लाख तक रेंज है, डिपेंडिंग ऑन दुकान कितनी बड़ी है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना खर्चा है उसमें, कितनी कस्टमर सर्विस देनी है, कैसे पेमेंट करनी है, इट कैन वेरी वेरी दिस लॉन्ग, पर इवेंचुअली देयर इज नो गारंटी एट ऑल कि भाई किसी भी बड़े लॉयर कंसल्टेंट के पास जाओगे बोलेगा जी मैं आपको शर्त यह बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ कि वीजा लगेगा, ना कोई कह सकता है और ना यहाँ कभी होता है, लेकिन क्लाइंट्स हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमने फलाने को इतने पैसे दे दिए, मेरे तो वीजा शर्त लग गया जी, लग गया, ऐसे कभी नहीं होता। जी, जी. तो इसलिए मेरा अप्रोच फाइनली ये है कि आप पढ़े लिखे हैं, आपकी बात कर रहा हूं मैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप होशियार हैं, आप नॉलेजबल हैं, आप ट्रैवल किए हुए हैं, आप एप्लीकेशन आप मेरे को ना दो, अपनी एप्लीकेशन अपने आप करो। हाँ, लॉयर्स और कंसल्टेंट्स की जरूरत कब पड़ सकती है और कब उनका एक उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन एक सार्थक हो सकता है कि अगर एप्लीकेशन में जैसे इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू आ गया, डेट मीन्स कि उन्होंने कुछ ना कुछ शक है, दे वांट टू क्लेरिफाई समथिंग, हाँ तब एक लॉयर से एक गाइडेंस, एक वीजा इंटरव्यू प्रैक्टिस वगैरह कराना बहुत जरूरी है, वो मैं समझता हूँ कि इट इज एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल कि आपको वो जरूरी है। अगर कोई ना कोई बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन के बारे में कोई वेरिफिकेशन हो रही है, कोई चेकिंग हो रही है, समटाइम्स दे इशू अ लाइक प्रोसीजर फेयरनेस लेटर, कोई हो सकता है क्योंकि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बारे में मिस रिप्रेजेंटेशन का कुछ चार्ज ना लग जाए, तब लॉयर का एक जरूरी है। तो ये दो सूरत हाल है, मेरे को लगता है कि लॉयर्स का, लॉयर या कंसल्टेंट किसी का भी इंटरवेंशन बहुत ही एक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी यू नो मेजॉरिटी ऑफ केसेस आर प्लेन एंड यू नो लाइक अ ब्लैक एंड व्हाइट केसेस। करेक्ट, क्योंकि सर मैंने ना पिछले महीने कनाडा में ही किसी के जान पहचान के थ्रू देयर वाज सम कंसल्टेंट, सो आई जस्ट कॉल्ड हिम अप एंड आई टोल्ड हिम द सेम स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो ही सेड कोई नहीं, मैं 2 महीने बुला दूंगा आपको, मतलब मुझे 2 महीने बुला देंगे। सो आई आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन, मैंने कहा सर आप कैसे बुला दोगे, मतलब आप मुझे बता दो, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं आपको पे कर देता हूँ, मैं आपको इस सेशन का भी पे कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप 2 महीने में कैसे बुलाओगे, कह रही हमारी सेटिंग है। सर द मोमेंट ही सेड दैट वर्ड मैंने फोन ही काट दिया। विपिन जी आपसे बात करने को मेरे को इतनी खुशी हो रही है क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, आप सूझवान हो और आप इतना होमवर्क कर रहे हो। आई लाइक क्लाइंट्स लाइक दिस, मेरे को आप जैसा एक परफेक्ट क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल है और भी सारे, आई होप के एवरीबडी इज लाइक यू। जो भी कंसल्टेंट हो, लॉयर हो, कोई भी जो इस बिजनेस में हो, मैंने आपको पहले बताया शायद कि नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि ये अल्टीमेटली दिस इज अ बिजनेस और बिजनेस ये तब चलेगा जब जो बिजनेस को जो ऑफर कर रहा है वो अगले को कहेगा कि ठीक है जी आपका काम हो जाएगा। अगर वो कंसल्टेंट कोई भी, जैसे को मैं आपसे बोलूँगा नहीं जी आपका काम नहीं होगा जी, तो आप बोलोगे जी काम ही नहीं होगा क्या करना, बात करके छोड़ो। जब तक हम किसी को पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं देते किसी को कि आपका काम हो जाएगा 2 महीने में बुला लेंगे 3 महीने, तो अगला आदमी मतलब वो कहेगा जी चलो हमारे तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं, हम चाहते हैं। तो लोग ऐसा ये किसको कहते हैं लाला लगाते हैं कि भाई हाँ जी काम हो सकता है कि आप तो समझदार हो, लेकिन दूसरा कोई और होता वो कहता जी चलो जी बताओ जी कैसे 2 महीने में, मैं तो आने वाला हूँ। तो इस हिसाब से मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, कंसल्टेंट हो, लॉयर हो, कुछ हो, लेकिन एक बिजनेस एंगल, एक प्रॉफिट मोटिव हमेशा जुड़ा हुआ है और कई बार हम उसको ऊपर रखते हैं और बाकी के जो लॉ को, प्रोसीजर को हम साइड स्टेप कर देते हैं कि बाकी छोड़ो हम कुछ है, हमारी जुगाड़ है, सेटिंग है। जुगाड़ सेटिंग क्या है, किसी के पास कोई वीजा मशीन तो है नहीं कि मेरे पास ये वीजा है नहीं, हम करके आपको दे दें, ये काम तो सारा ब्यूरोक्रेसी से होना है, वहां से वीजा ऑफिसर के स्क्रूटनी जाना है, वहां से करना है। जुगाड़ क्या हो सकती है ऐसे, अगर जुगाड़ ऐसी होती, अगर ऐसी चीज कोई जुगाड़ है तो पूरा पूरा इंडिया खाली हो जाएगा, फिर तो वीजा सबको मिल जाएगा। सर बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो सर इन केस मेरे को फ्यूचर में कहीं ऐसा पॉइंट लगे कि मुझे आपकी आवश्यकता है या आपकी टीम की आवश्यकता है, सो हाउ शुड आई कोऑर्डिनेट विद यू? तो उसका तरीका यही है जैसे कि मैंने पहले बताया, आपके केस में आपको अभी सारा पता लग गया है मोर और लेस कि आपको क्या करना है,
आप अपना स्टेप लो, अगला जो आपकी जो स्टेज आएगी वो है कि जैसे कि आपको विजिट वीजा अगर मिल गया आपको तो खेल खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स यू आर डेफिनेटली यू आर ऑन द ट्रैक, और अगर नहीं होता है तब जब आपकी शादी होती है तब आप एप्लीकेशन को अपने तैयार करते हो, तब उसके बाद मेरे को कॉल कर लेना कि भाई मेरी आपसे बात हुई थी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर और मेरी एप्लीकेशन तैयार है, देन वी नीड टू बुक अनदर सेशन टू जस्ट टू टॉक एंड जस्ट टू यू नो जस्ट फॉर मी टू स्क्रूटनाइज ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सो आई कैन लुक एट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आई कैन चेक ईच एंड एवरी एंट्री एंड आई कैन लेट यू नो एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट और सम नीड्स करेक्शन इज रिक्वायर्ड देयर एंड देन यू नो यू आर रेडी टू गो. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ठीक है सर, तो सर इतना ही था मेरे पास आज पूछने को, क्योंकि यही मेरा कंसर्न था. तो मुझे तो मेरा मन तो सर विजिट पे ही था पहले से कि मिल जाए किसी तरह से, तो स्टोरी जैसे आपने बोला अलग हो जाएगी, तो मुझे वही चाहिए बेसिकली, बिकॉज इंडिया में मुझे पता है कि क्या होगा, चाहे मेरे पास सब कुछ भी सही हो, उसने रिफ्यूज कर दिया तो कर दिया, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, स्पेशली दिल्ली में. अच्छा ये सवाल आपने शायद पहले पूछा नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर रिफ्यूज होता है किसी का तो उसके पास एक अपील करने का 60 डेज होते हैं, तो वो उसकी जो स्पॉन्सर होती है, जो वाइफ होती है, वो 60 डेज लेकर वहां पर एक इमिग्रेशन बोर्ड है हमारा, तो वहां पर एक उसको फाइल कर देते हैं कि भी हमें इसका अपील करना है, आई एम नॉट एग्रीइंग विद द वीजा ऑफिसर, तो उसके बाद फिर उसका एक सेट एक वो होता है स्केड्यूल करते हैं, हियरिंग होता है, समटाइम्स इट टेक इवन वन ईयर, मतलब ऐसा नहीं कि एक एक दिन में, एक साल बाद आपका नंबर आएगा, फिर एक जज होता है जिसको हम मेंबर कहते हैं, मेंबर ऑफ यू नो इमिग्रेशन अपील डिविजन, तो वो फिर आपकी सुनवाई करता है, पूरी फुल डे हियरिंग होती है आपको, एक तरफ वाइफ को दूसरे फोन पे लेके आपको वो ऐसे क्रॉस एग्जामिन करते हैं, फिर देन दे डिसाइड, सो वो लंबा काम है. अगर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार कर लिए जो हमने बात करी है, और आपके सारे आपकी नॉलेज है एक दूसरे की, चैट हिस्ट्री, फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, कैसे शादी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि पहले ही स्टेज में फतेह हो जाना चाहिए, केस हो जाना चाहिए, बाकी अपील में तो फिर अपील में जस्ट इट बिकम्स मोर एंड प्रॉब्लमेटिक, और उसमें खर्चा भी और आगे होता है. क्योंकि सर मेरे को याद है मैंने आपकी वीडियो देखी थी जिसमें उस बंदे का सब कुछ परफेक्ट था, फाइनेंस लेके, लेकिन उसको बोला कि कुछ ऐसा स्टेटमेंट आया था उसमें कि नहीं ये वापस नहीं आएगा क्योंकि इसके फाइनेंस वो है अच्छे हैं, ऐसा कुछ होता, तो आपने बोला भाई अच्छे हैं तभी तो जा रहा है. हाँ, नहीं, वो स्पाउस वीजा है, वो पीआर वीजा नहीं है, वो स्पाउस वीजा का था. स्पाउस वीजा का था उसमें कि उनके पास फंड्स अच्छे थे, सरकारी जॉब थी वगैरह थी, और उनको कोई बहाना नहीं मिला, और शादी भी बहुत पुरानी थी उनकी, शादी भी बहुत पुरानी थी, सैलरी भी अच्छी थी, गवर्नमेंट जॉब थी और फंड्स भी अच्छे थे. उन्होंने ये लिख दिया मेरे को, बड़ी मैं एक दिन हंसता रहा उसके लिए. उसने ये लिख दिया कि ये इसके पास इतने अच्छे हालात हैं, ये इस सरकारी नौकरी को, इस जॉब को छोड़ के क्यों जाएगा, मेरे को ये लिख दिया. वैसे कई बार उल्टा लिखते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है, ये वापस नहीं आएगा, जिसके पास सब कुछ है उसको लिखते हैं कि जिसके पास 3,000 रुपए थे बैंक में. हां जी हां जी हां जी. यू हैड अ क्लाइंट, शी हैज 3,000 रुपीस, शी गॉट अ वीजा, शी वेंट. आई नो एब्सोल्युटली. एक कभी-कभी एक थोड़ा सा एक मौसम होता है, माहौल होता है एक्चुअली ये वीजा इंडस्ट्री का. जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये कोरोना वायरस में क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगी है, आगे के यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है कनाडा में, तो नए स्पाउस वीजा में जो वर्क परमिट मिलता है उसको बुलाने का इनका इरादा नहीं है. सो कई कई बार इट कम्स अप्स एंड डाउन्स. अब आप देखोगे कितने भी लॉयर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, जिनकी वीडियोस पहले आती थी, किसी की वीडियो नहीं आ रही कि मेरा स्पाउस वीजा लग गया नहीं गया, कोई किसी का लग नहीं, बट दे आर पेंडिंग, बट दे आर नॉट गिविंग अ डिसीजन येट. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो ठीक है सर, व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट ट्राई फॉर विजिट वीजा, आई विल ट्राई माय लक, वो तो जाना चाहिए, बट अगेन लेट्स सी. सो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि एक तो मैं दिसंबर में जा रहा हूँ लंदन, एक मैं चला जाऊंगा मार्च अप्रैल में, मेरा जून में खत्म होगा 6 महीने का, ठीक है, फिर मैं उसके बाद आई विल अप्लाई, ताकि 4 बार मैं होके आ चुका हूँ एंड फर्दर आगे जो भी मैं लिखूंगा उस लेटर में. Absolutely. You can apply for Canadian tourist visa anytime, even before or after this UK visit, provided you have a very strong participation in that event. जो भी event हो रहा है वो एक अच्छा एक event है, special event है, उसका एक reputation है, आपने उसको fees pay कर रखी है, आप जाओगे वहाँ, आप क्या करोगे, आप वहाँ पर अटेंड करते हो, या आप हो सकता है आपको कुछ स्पीच देनी हो, किसी को पार्टिसिपेट करना हो, तो जो यूके में जो आपने ऐसा कुछ जो किया उसकी फोटोज भी अटैच करना कि ये मैं करता हूँ, तो वीजा ऑफिसर को क्लियर होना चाहिए कि भाई आदमी करता क्या है, योगा में जाके करेगा, घूम के ऐसे आ जाएगा, या किसी से इंटरेक्शन है, तो ये सब बात अगर आपके पास स्ट्रांग है तो वीजा मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आई डोंट सी मच यू नो
much restriction in that way out there. अगर आपके पास सब पुराने अगर track record. Flight tickets book करानी होती है. Flight ticket book करानी नहीं. Flight ticket आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं. हाँ, उसका जो रजिस्ट्रेशन है पैसा वो आप जरूर करें. वहाँ का होटल का जो बुकिंग है वो तो करना है. करेक्ट. ठीक है सर. बस इतना ही था. थैंक यू वेरी मच. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर. मतलब फाइनली हर चीज अब क्लियर हो चुकी है. थैंक यू. मुझे क्या करना है एंड अगर मेरा कुछ अच्छा होता है प्रोबेबली जो मुझे गट फीलिंग है कि नेक्स्ट ईयर हम दोनों पहुंच ही जाएंगे. आपसे मिलने जरूर आऊंगा सर. ये मेरा वादा है. वादा बहुत करते हैं लेकिन लोग आ नहीं पाते. कई क्लाइंट्स मेरे वादा करते हैं कि माय कमिटमेंट इज आई विल बी देयर. अच्छा आई विल बी देयर टू मीट यू. चलिए, खुशी की बात है. आपको मजा कितना आया नहीं आया लेकिन मैं बता दूं मेरे को आपसे बात करके बहुत मजा आया. और मेरे को मैं हमेशा एक एक्सपेक्ट करता हूं कि क्लाइंट हमारा ऐसा हो कि जो अपना होमवर्क करके आए, जो रिसर्च करके आए और उसके बाद फिर आगे जो बातें नहीं पता थी वो उसके बारे में जब उसको नई नॉलेज मिलती है तो उस पर अमल करें. तो ऐसे क्लाइंट्स को मैं हमेशा दिल से प्यार करता हूं और मैं उनके लिए हमेशा बेस्ट विशेस मेरे दिल में होती है कि उनका काम आगे हो और ऐसी जिंदगी चलती रहेगी. थैंक यू सर. एंड सर थैंक यू फॉर योर हेल्प. इट मींस अ लॉट टू मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू विपिन. थैंक यू. ठीक है. नमस्कार.